अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शिफा यूसुफ जई और पाकिस्तान मॉर्निंग्स में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज मैं अभी ऑफिस आ रही थी तो मैंने कुछ आइडियाज़ पे गौर किया और मैं ये सोच रही थी कि अक्सर हम ये बात करते हैं कि कौन से बिजनेसेस खोलने चाहिए। इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, हर मुल्क की ही खैर कुछ दगरगूँ सी हैं, लेकिन लोगों को जाहिर है ग्रोथ करनी है, प्रोग्रेशन करना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। अखराजात बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे वक्त बढ़ता है और जैसे जैसे लोगों की फैमिलीज एक्सपेंड करती हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि कौन से बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं, और मैंने बड़ी मज़ेदार एक पोस्ट जो है वो पढ़ी और मैंने सोचा कि जिन्होंने वो पोस्ट नहीं पढ़ी उनके लिए मैं यहाँ पर आकर आइडिया दे देती हूँ कि कैसे कैसे आप बिजनेसेस कर सकते हैं और कौन कौन से आइडियाज़ जो हैं वो शायद कारामत साबित हो सकते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू कंडक्ट द फिजिबिलिटी स्टडीज़ एंड ऑल दैट, लेकिन ये है कि आइडियाज़ मैंने कहा मैं आपको दे दूँ। तो सबसे पहले मुझे ख्याल आया कि सबसे अच्छी जो बार्बर शॉप है वो कहाँ खुलनी चाहिए, यानी कि हजाम की दुकान वो कहाँ होनी चाहिए। कार वॉश के सामने, बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं वो कार वॉश के लिए जाते हैं और गाड़ियां धुलवाते हैं, पेट्रोल पंप्स होते हैं और कार वॉश स्टेशन अलग भी होते हैं। तो उनके जब वो गाड़ियां धुलवा रहे होते हैं तो उनको वेट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, वो बोर भी हो रहे होते हैं, या तो वो मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे या उसके अलावा गपशप लगा रहे होंगे या कुछ और, लेकिन हो रहे वो बोर ही होते हैं, टाइम पास करना होता है उन्होंने। तो अच्छा टाइम पास ये है कि एक तरफ वो गाड़ी दें ताकि गाड़ी धुले और दूसरी तरफ वो अपनी हजामत कराने के लिए बैठ जाएँ। तो एक तो ये आइडिया है कि हजाम की दुकान जो है, बार्बर शॉप, वो कार वॉश के सामने अगर कोई बनाना चाहे तो इट कुड बी लुक्रेटिव बिजनेस। दूसरी चीज़, दूसरी एक है कि हम ये भी कर सकते हैं कि अच्छा कार वॉश कहाँ होनी चाहिए। कार वॉश का मैंने जिक्र किया कि कार वॉश कहाँ होनी चाहिए, तो मर्द हजरात को किस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, वो है शॉपिंग। जब उनके घर की खवातीन बेगमा जो हैं वो शॉपिंग सेंटर्स में जाती हैं तो मर्द हजरात के चेहरे एक अजीब सी एक कैफियत होती है उन पे, या बाहर बैठे होते हैं, आसमान को देख रहे होते हैं, तारे गिन रहे होते हैं, शदीद बोरियत का शिकार होते हैं। दुकानों में अंदर तो खवातीन के साथ जाते बहुत कम हैं। तो ऐसी सूरत हाल में शॉपिंग मॉल के सामने अगर कार वॉश होगा तो वो अपनी गाड़ी धुलवा लेंगे, वो उसी के साथ लगे रहेंगे, तो वो भी उनके लिए एक एंटरटेनिंग फैक्टर हो जाएगा। दैट्स हाउ वुमेन कैन टेक देम टू और ड्रैग देम टू एक्चुअली शॉपिंग मॉल्स। अच्छा, फिर टॉय शॉप, टॉय शॉप, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टॉयज़ देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम है, बाकायदा तौर पर ये प्रॉब्लम है कि बच्चा किसी टॉय को अगर देख ले तो फिर उसको वहाँ से निकालना या लाना बगैर टॉय ख़रीदे नामुमकिनात में शामिल है। तो टॉय शॉप कहाँ खोलनी चाहिए, ज़रा सोचें सोचें कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चों को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करना बल्कि उनको थोड़ा सा खुश भी करना है और उनका ध्यान उनकी प्रॉब्लम से हटाना है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के सामने अगर कोई टॉय शॉप्स होंगी तो बच्चे या तो टीका लगवाने जा रहे होंगे या टीका लगवा कर आ रहे होंगे, रो रहे होंगे। दैट इज़ द राइट प्लेस कि जहाँ पर टॉय शॉप होनी चाहिए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स के सामने। और अंडे, अंडे मारने के लिए नहीं, खाने के लिए। अंडे जो हैं वैसे तो महंगे बड़े हैं, लेकिन जो भी इस बिज़नेस में आएगा मेरा ख्याल है खासा नुकसान, खासा फ़ायदा कराएगा अपना। तो अंडों की जो स्टोर है, एग स्टोर या एग शॉप, वो कहाँ होनी चाहिए, इन फ्रंट ऑफ अ जिम। जिम के सामने अंडों की शॉप होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमेशा आपको जिम के अंदर जाते हुए लोग या जिम के से बाहर आते हुए लोग वो इसी डाइट पर नज़र आएंगे। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स से पूछें जो फिटनेस का बड़ा, वो एक कॉन्शियस फिटनेस के बारे में बहुत कॉन्शियस है और वो ये सोचता है कि भाई मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, तो उसकी डाइट में अंडे ज़रूर शामिल होंगे। और आते जाते उसको ये फिक्र होती है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, बड़े ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई है जो जिम और फिटनेस फ्रीक्स हैं और उनको हर वक्त ये टेंशन होती है कि घर में अंडे ख़त्म तो नहीं हो गए, क्योंकि उन्होंने खाना ही मोर और लेस सिर्फ अंडे ही होते हैं या चिकन खाएंगे, प्रोटीन वगैरह वो अंडों से खास तौर पे ज़्यादा लेते हैं और उसमें भी एग वाइट्स का वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एवरीबडी हु गोज़ टू द जिम नो दिस। तो एग शॉप आप खोलें जिम के आगे। और दूसरा ये है कि एक और टॉय जो है वो टॉय स्टोर की, मुझे अभी बात करते करते ख्याल आया कि टॉय स्टोर सिर्फ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के सामने नहीं हो सकता। टॉय स्टोर जो है हमारे अम्यूज़मेंट पार्क्स या जिधर पार्क्स होते हैं ऐसे, जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाएं या जहाँ पर पेरेंट्स उनको बेशक लेके जाएं, जूज़ जो हैं हमारे पाकिस्तान में तो जूज़ हैं, दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक रह गए हैं जहाँ पर जूज़ हैं, वहाँ पर अब सफारीज़ का और सेंचुरीज़ का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। तो इस तरह की जगह जहाँ पर किसी शख्स की आमदोरफ्त ज़्यादा हो, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक आप वहाँ पर कोई शॉप खोल सकते हैं, वहाँ पर कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये मैं कुछ आपको आइडियाज़ दे दूँ। अच्छा, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री भी लोग बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो अकेले रह रहे होते हैं या खवातीन है जो अकेली रह रही होती हैं, लाइफ इतनी बिजी है कि उनको खुद हाथ से कपड़े धोना या इवन इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दें और जो है वो डाल दें डिटर्जेंट और वो कपड़े धुल जाएं। तो लॉन्ड्री शॉप कहाँ होनी चाहिए, ज़रा आप सोचें सोचें, ज़रा जहन पर जोर डालें, लॉन्ड्री शॉप कहाँ होनी चाहिए। लॉन्ड्री शॉप की बेहतरीन जगह
आप देखें जिंदगी में कुछ जगहों पर तो रोजाना की बुनियाद पर आते जाते हैं, जो वर्किंग क्लास है हमारी, जो काम कारोबारी सॉरी कारोबारी कह रही हूँ, जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर आते जाते हैं कहाँ, अपने ऑफिस। तो जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज का एरिया होता है, जो बिजनेस बेस होते हैं, जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर ऑफिसेज, हमें पता है ना कि बहुत सारे, इस्लामाबाद की हम बात करें तो ब्लू एरिया इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस के जहाँ पर ऑफिसेज ऑफिसेज ऑफिसेज। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ऑफिसेज के आस पास कहीं अगर लॉन्ड्री शॉप्स होंगी तो इंसान के लिए वो बहुत ईजी है, बड़ा कन्वीनियंट है कि आते जाते अपने गंदे कपड़ों का जो बैग है या लॉन्ड्री बैग है वो उठाए, जाते हुए ऑफिस लॉन्ड्री शॉप को दे और वापसी पे एक दो दिन बाद उसको कलेक्ट कर ले। तो जितनी आप कन्वीनियंस रखेंगे लोगों के लिए आमदोरफ्त में, आउट ऑफ द वे कोई चीज़ अगर किसी को पड़ेगी तो वो उसको ख़रीदने के लिए बहुत ही कम जाता है, वो हमेशा अपने आसपास इंसान ऑप्शंस ढूंढता है। तो ये ऑप्शंस मैंने कुछ आपको बताए हैं, जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं फ़ौरन से पहले इनकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करें और बिज़नेस की तरफ चले जाएँ। अच्छा, बिज़नेस से याद आया कि बिज़नेस जब हम करते हैं और जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आपको बिज़नेस करने के लिए मुख्तलिफ NOCs चाहिए, मुख्तलिफ आपको अप्रूवल्स चाहिए, गवर्नमेंट्स के चाहिए, मुख्तलिफ इदारों के चाहिए। हाँ भाई, आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अगर मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए आपको उस जगह की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ से NOCs चाहिए होते हैं कि आपने बिल्डिंग में ये चीज़ रखी वो चीज़ रखी, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हैं, बिजली गैस के कनेक्शन चाहिए होते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी के लिए आपका सरकारी या प्राइवेट इदारों से वास्ता पड़ता है, और बहुत मर्तबा आपका काम रिश्वत दे दे के बाद ही होता है, और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन अब दिस इज़ इट। इसके बारे में और ज़्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन वो जो रिश्वत है उस रिश्वत के बगैर कभी कभी काम नहीं भी होता। अब मैंने ये जुमला कह दिया, अब मुझ पर पल ना पड़िएगा कि ये तो शिवा ने रिश्वत की तारीफ़ कर दी, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि बहुत मर्तबा जब आप किसी को रिश्वत दे देते हैं तो आपका काम हो जाता है, और जब आप किसी को रिश्वत नहीं देते या इनकार कर देते हैं तो वो आगे से अड़ी डाल देता है कि अब तुम देखो ना, तुम आओ मेरे पास, आओगे तो तुम इसी दफ्तर में ना मुझसे कनेक्शन लेने आओगे या फलाना ढिमकाना, तो फिर ऐसी सिचुएशन भी होती है। रिश्वत के हवाले से एक स्टडी हुई बड़ी इंटरेस्टिंग, और पाकिस्तान में हुई, वो स्टडी जाहिर है। अच्छा, पाकिस्तान के 93% अफराद ने रिश्वत की शदीद मुखालफत कर दी है, और गैलप पाकिस्तान की का ये सर्वे था, उन्होंने अवामी राय पर मबनी ये नया सर्वे जारी किया, और इसमें इसके मुताबिक 93% लोगों ने रिश्वत लेने और देने को मुआशरे की बिगाड़ की वजह करार दिया है। और अगर मैं आपको बताऊं, 5% जो लोग हैं वो रिश्वत की हिमायत में सामने आए हैं, और वो मेरा ख्याल है वो भी वही लोग हैं जो इस चीज़ पर तो खुश नहीं हो रहे कि वो रिश्वत दे रहे हैं और पैसे उनकी जेब से जा रहे हैं और इस पर वो बड़ी खुशी मना रहे हैं या उसकी हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने जो जवाब मुख्तलिफ जवाब पेश किए हैं, और 1% का जो दरमियाना मौक़ है वो कुछ वो दरमियान के रहे हैं, वो उन्होंने ना इस साइड पे बात की है ना उस साइड पे बात की है, उन्होंने ना रिश्वत की हिमायत की है ना रिश्वत की खुल के मुखालफत की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने ये बात, मैंने तो खैर पर्सनली ये सुना है लोगों से कि हम फलां इदारे में पहले रिश्वत देकर अपना काम करा लेते थे, अब वो उधर सख्ती हो गई है, अब उधर उनका नया हेड आ गया है वगैरह वगैरह, तो वो रिश्वत नहीं लेते तो हमारा काम ही नहीं करते। वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा हो रहा है आपका काम करने में, आप हमें कहीं बाहर ऑफिस के आवर्स के बाहर कहीं मिलें, ऑडियोज़ वीडियोज़ बनने से भी लोग अब बड़ा डरते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई शख्स अपना मोबाइल ही ना ऑन करके हमारी ऑडियो रिकॉर्ड कर ले वाइल वी आर आस्किंग फॉर अंडर द टेबल कैश। तो ये वाली सूरत हाल जो है ये हो गई है, लेकिन ये है कि अल्लाह बेहतर करेगा, और रिश्वत के ख़िलाफ़ अपनी आप जंग जारी रखिए, कोशिश कीजिए कि जहाँ पर काम उसके बगैर हो रहा हो आप अपना काम उसके बगैर कराइए, और जहाँ पर नहीं हो रहा हो वहाँ पर फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करें, और आई होप कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इस नासूर से हमारी जान छूट जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है, और वो भी बड़ी अलार्मिंग खबर है, सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के अजीब व गरीब फिनोमेना सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में तो शदीद फ्लडिंग का मामला देखा हमने, दुबई की कल हमने आपको बात बताई थी शदीद फ्लडिंग का मामला देखा, अब इसी तरह इंडोनेशिया से एक खबर सामने आई है और मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, आप इस वीडियो में देखें आप हैरान रह जाएंगे और आप परेशान भी खासे होंगे। इंडोनेशिया में आतिशफिशां फटने के बाद सुनामी के खतरे के बायस हज़ारों अफराद का इनखला जो है वो किया जा रहा है इस वक्त, और रवांग उनका एक आतिशफिशां है, और 24 घंटे के दौरान कम से कम 5 धमाके उसमें वहां पर हुए हैं। AFP के मुताबिक इंडोनेशिया की इमदादी कारकुनों ने जुमेरात को आतिशफिशां के बार 5 बार फटने के बाद हज़ारों लोगों को निकालने के लिए दौड़ लगा दी है।
हुकाम ने यह भी बताया हमें कि आतिशफिशां जो इंडोनेशिया के सबसे बैरूनी इलाके में एक दूर दराज जजीरे पर है, उसकी सतह समंदर से 725 मीटर बुलंदी पर है और हुकाम ने करीबी हवाई अड्डे को बंद करने और मलबे के गिरने के बारे में भी इंतबाह जारी कर दिया है। तो वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। हुकाम को खदशा है कि आतिशफिशां का कुछ हिस्सा समंदर में गिर कर सुनामी का बायस बन सकता है। सो आतिशफिशां फटने से राख फिजा में हज़ारों फिट तक बुलंद हुई है और सयाहों और दीगर जो अफराद हैं उनको आतिशफिशां से कम 6 किलोमीटर दूर रहने का मशवरा दिया जा रहा है। ये एडवाइस है जो वहाँ पर की जा रही है और इसी हवाले से हम अगर आगे आप में कोई और ऐसी खबरें आएंगी जो तशवीशनाक होंगी, जो आपके जानने के लिए ज़रूरी होंगी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में हम अक्सर ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमतें एजुकेशन के बजट्स वगैरह नहीं दे रहे, और अगर बजट्स नहीं दे रहे या प्लान्स नहीं कर रहे पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, तो ऐसा क्यों होता है? अब एक तो ये सवाल है, लेकिन आजकल तो एक और सवाल उठाया जा रहा है कि जब हुकूमतें प्लान करती हैं तो उनके प्लान्स इसलिए इस हद तक वो उनमें कोई लूप होल होता है कि उनके प्लान्स मिसयूज़ होने लग जाते हैं। जो बजट गवर्नमेंट रिलीज़ करती है या कहीं स्कूल्स बनते हैं, वो स्कूल्स आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम वो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो गोस्ट स्कूल्स में मुंतकिल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर हयात साहब जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, और सवाल हमारा इनसे ये है कि अभी एक बड़ी एक अजीब सा इंकशाफ हुआ है कि पंजाब में सेकेंड शिफ्ट जो स्कूल्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ शिफ्टें स्कूलों में मुतारफ़ कराई गई थी, वो गोस्ट स्कूल साबित हुए हैं और 20 लाख जाली दाखिले किए गए। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ सिकंदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लिया। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे कि दिस इज अ ह्यूज नंबर जो कल सामने आया है, 20 लाख दाखिले जो कि एक्चुअली मौजूद नहीं है वो किए गए। जी दाखले नहीं, तो आई वांट टू क्लेरिफाई कि आफ्टरनून स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ करीबन 6000 के करीब हैं। ये जो नंबर है ये 1,19,00,000 का नंबर जो सिस की एप थी जो बनाई पिछली आउटगोइंग गवर्नमेंट ने, और पिछले 3-4 साल इसका बड़ा प्रोपेगेंडा होता रहा, तो उसका डेटा जब हमने एनालाइज किया और इस पर हमने इंजीनियरिंग की बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर ये चीजें सामने आई कि 17-20% फेक इनरोलमेंट है, जिसे हमने फिर फर्दर हेड काउंट्स कराए स्कूल्स में, तो वो जस्टिफाई हुई 200-400 स्कूल्स में कराए। और इसी तरह ना सिर्फ ये कि दिस वाज बीइंग डन, बट आल्सो द बिगर प्रॉब्लम वाज कि जो हमारे स्कूल्स थे उनके अंदर जो बच्चे पिछले 5 साल में इनरोल किए गए उनमें से 5वां हिस्सा बच्चे फेक साबित हुए, तो वो करीबन 2 मिलियन के करीब बचे। एंड दिस इज वेरी वरिंग बिकॉज बजट भी इसके अगेंस्ट आता है। तो ये सिर्फ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम नहीं है, ये सारे प्रोग्राम्स के अंदर इन्होंने ये फेक एनरोलमेंट की और वो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बिल्कुल अपनी पॉलिसीज को रियलिस्टिक रखना चाहते हैं, तो इसलिए वी आर मेकिंग श्योर कि हम उससे उस नंबर को बाहर निकालें और अपने रियलिस्टिक टारगेट सेट करें और पाकिस्तान और पंजाब की आवाम को एक्चुअल नंबर्स बता सकें और एक्चुअल स्टूडेंट्स बता सकें, और उनके अगेंस्ट जो सारा फाइनेंशियल जिस तरह NSB फंड उसके अगेंस्ट आता है, जेवरे तालीम उसके अगेंस्ट आता है, वो एक्चुअल नंबर्स में आए और हम कोई गवर्नमेंट का पैसा जाया ना करें और ये ट्रांसपेरेंट हो। सही है, तो खैर फिर भी जितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, गोस्ट स्कूल्स और गोस्ट एजुकेशन पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो वैसे ही एक बहुत बड़ा मसला है और होना भी चाहिए, एंड वी आर ग्लैड कि आप इसको देख रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सवाल पूछें, और जाहिर है बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त वो भी ये सोच रहे होंगे कि इसकी जिम्मेदारी हम डालेंगे किस पर, क्या ये काम वजारत से शुरू होता है यानी कि टॉप ऑफिस से शुरू होगा जो कि वजीर तालीम पंजाब होंगे और उस वक्त के मुरादराज साहब थे सेकेंडरी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के, या हम सेक्रेटरीज की तरफ आएंगे, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? ये तो जिसमें सब मिलकर काम करते हैं, तो ये मैं आई वुड वांट टू से कि इसमें इनकी जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है मुराद राज साहब की, इस वजह से बिकॉज वो जो स्थिति की उन्होंने चर्चे किए कि हमने बहुत दुनिया का बड़ा टेक्नोलॉजी का अच्छा मॉडल इंट्रोड्यूस कराया, बट इसकी कई लेयर्स हैं। सो सी हेड मास्टर साहब के पास टैब है, एंड देन देयर ऑन हर स्कूल के अंदर एक हेड टीचर के पास एक टैबलेट है, फिर MEAs हैं, फिर AEOs हैं, फिर डेप्यूटी DOs हैं, फिर CEOs हैं, तो फिर उसके बाद हमारा इतना कमाल डेटा सेंटर है, तो डेटा क्लेंजिंग क्यों नहीं गई, फेक एनरोलमेंट आई कहाँ से, उस पर ये पॉलिसी बनाई किसने, स्कूल के कमरे अगर ऑलरेडी गिरे हुए तो किसने कहा कि आप 5% बच्चे और एनरोल करें विदाउट फिक्सिंग दी
स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं ये समझता हूँ यस मुराद रास और उनकी टीम इज रिस्पॉन्सिबल, बट आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू एनी ब्लेम गेम बिकॉज बच्चे सबके हैं, तालीम सबकी है, तो मैं पेरेंट्स को यही शो कराना चाहता हूँ कि इस दफा सबसे टॉप एनरोलमेंट ड्राइव हो रही है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट के 80% हमने अचीव कर लिया अभी सही तक। है। अच्छा ये जो बट गोस्ट ये आपने दाखले हैं, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि ये इसमें सब इन्वॉल्व है, क्यों ये हुआ, ये एम्बेरसिंग सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, क्यों इस कौम से झूठ बोला जाता रहा उसकी एक पंजाब वजह के ये भी अंदर। है, अगर इसलिए भी सर मैं ये कह रही हूँ कि अलार्मिंग है क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेशनल फंडर्स और डोनर्स के हवाले से पाकिस्तान में चल रहे हैं एजुकेशन के, तो एब्सोल्युटली जब वो ये देख रहे एब्सोल्युटली हैं कि पाकिस्तान में दाखले नहीं हो रहे और ये पैसा या तो खाया जा रहा है या इसको मिसयूज किया जा रहा है या ये पैसा जाया हो रहा है खालिस्तन, अगर किसी एक फर्द की जेब में ना भी जा रहा हो तो भी अगर किसी जगह वो सही तरीके से नहीं यूटिलाइज हो रहा है तो आई विल कॉल इट अ वेस्ट, तो वो भी आई यही विल एग्री सोचेंगे। विद यू बिकॉज ये टैक्स पेयर्स मनी है और जी इससे बड़ा ईमानदारी से और शफाफियत से स्पेंड होना चाहिए। और फिर इट इज अबाउट द पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, देखें सबसे जी बुरे हालात के बावजूद भी पिछले 25 साल में टॉपर्स गवर्नमेंट स्कूल्स के, तो हमें तो कम अज कम कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये आते ही आइडेंटिफाई किए और मैंने कौम को भी बताया और मैंने सारे डिपार्टमेंट को भी बताया कि हम इस पॉलिसी पे नहीं चलेंगे, हम सिर्फ अपनी ओरिजिनल इनरोलमेंट पे चलेंगे, ओरिजिनल बजट, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन एंड ईआरपी सिस्टम, सो दैट अब हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जो उन्होंने भी बड़ी की, बट असल में डिजिटाइजेशन को समझना बड़ा जरूरी है कि आप एक चीज को डिजिटाइज कर देते हैं फिर उसकी डेटा क्लिंजिंग, फिर उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग, फिर उसके वो ऊपर ना हो डेटा तो एनालिस्ट, हाँ फिर उस पर डेटा इंजीनियर्स, ये एक पूरी साइंस है, ठीक है। सिर्फ कहने से नहीं होती। तो वी आर विजिलेंटली ऑन इट इंशाल्लाह। और मैं ये श्योर करना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि सरकारी स्कूल मयारी स्कूल होंगे बिकॉज हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, करिकुलम रिफॉर्म से लेके टीचर्स ट्रेनिंग, मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके काम टीचर्स, फेक एनरोलमेंट से लेके बूटी माफिया के खिलाफ। तो आप लोग जो ये पॉलिसी बना रहे हैं ये आप लोगों की उनसे किस तरह से मुख्तलिफ होगी, कैसे आप लोग विजिलेंस दिखाएंगे और कैसे आप लोगों की ये फुल प्रूफ प्लानिंग होगी कि फेक दाखले ना हो सकें, गोस्ट टीचर्स ना भर्ती हो सकें। मैं टीचर्स की तरफ भी आऊंगी, अभी तो हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं दाखलों की, लेकिन आप लोगों की अब पॉलिसी देखें इसमें एक कैसे मेरा है एक बहुत डिफरेंट बड़ा उनसे? क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि गोस्ट अगर स्टूडेंट्स हैं और गोस्ट स्कूल्स हैं तो फिर पेंशन और सैलरीज व्हिच आर 80% ऑफ आर टोटल बजट, तो 400 कितने अरब में से 380 अरब रुपए पेंशन और सैलरीज हैं, उसका भी कोई डिजिटलाइज ईआरपी नहीं है, वो मैनुअल फाइल उस गांव से चली लाहौर पहुंची 2 साल में, सबने रस्ते के अंदर जो जो कमीशन ली, फिर जब वो शुरू होगी पेंशन तो उसे खत्म करना भी उतना ही मुश्किल है। बट कमिंग टू योर अर्लियर पॉइंट, यस आई डू हाउ एवर एग्री, देखें ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और टीचर्स से लेके स्टूडेंट्स, तो हमारी अप्रोच नंबर वन हम डिफरेंट कैसे हैं, हम कंसल्टेशन कर रहे हैं थॉरो और उन टीचर्स के साथ भी कर रहे हैं, ऑफिसर्स के साथ भी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल बना रहे हैं ताकि पेरेंट टीचर मीटिंग्स हों, स्कूल असेंबलीज हों, पेरेंट्स को रिजल्ट्स जाएं जैसे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाते हैं, और उनकी फीडबैक से उनका एक पेरेंट नॉमिनी हमने फीमेल स्पेशली एज अ मदर स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल में डाला है। स्कूलों के अंदर जो स्पेंडिंग हो रही थी कमरा बिल्डिंग CNW डिपार्टमेंट 40 लाख का बना रहा है एक कमरा, इमेजिन करें, और वो कमरा असल में 8 लाख का बनता है, बट चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी काइंड कि उन्होंने हमें ये इजाजत दी, तो अब वो कमरा हम 1/4 ऑफ द कॉस्ट में बनाएंगे। माली और चौकीदार रखने, शॉर्ट टर्म हायरिंग हो सकती है उसी गांव के रखें ताकि कल को आपको ट्रांसफर्स के लिए सिफारिशें ना भुगतनी पड़े, लाखों रुपए रिश्वत दे के अपने ट्रांसफर्स ना कराने पड़े। इसी तरह टीचर्स, तो 600-700 स्कूल्स अभी ऐसे हैं जो बन चुके हैं, बिल्डिंग्स मुकम्मल हैं, कई कई साल से उसमें फर्नीचर मुकम्मल है, बिजली लगी हुई है, बट बिकॉज ऑफ आर पॉलिसी ऑन SNEs हम वो स्कूल्स नहीं चला पा रहे, वो ब्लॉक्स नहीं चला पा रहे, तो उनके लिए देखें शॉर्ट टर्म हायरिंग दुनिया में हर जगह होती है, बिल्कुल होती है, और इट हैज कॉन्ट्रैक्ट्स हर जगह होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी ये मॉडल है, पूरी दुनिया में मॉडल है, तो उन बच्चों को ओवर एज होने से तो बचाए ना, तो लेट्स एम्प्लॉय देम राइट अवे। इस समर में मैसिव एक्साइज होगी जो कि 100% मेरिट पे होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, साथ साथ उनकी टेस्टिंग होगी, और उसके बाद हम एक पूल बना देंगे, 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, ये क्वालिफाइड हैं, इनमें से जिसने जिसे अपनी तहसील में रखना है रखे, ताकि फिर टीचर्स के ट्रांसफर्स में भी वो इश्यूज ना आए। इसी तरह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बड़ा मेजर काम हो रहा है। इसी तरह मैं समझता हूँ एक्सेस स्कूल्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब हर इलाका लाहौर नहीं है, तो चकवाल के स्कूल्स भी केटर करें प्लीज, आप साउथ पंजाब के हालात देखें, बाइसाइकिल्स ला रहे हैं, स्कूटीज ला रहे हैं, और इसी तरह मेरा ख्याल है कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्कूल्स में आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम इट इज नॉट अ कंप्लीट फेलियर,
उसे चलाया गलत तरीके से अगर जा रहा है तो ठीक उसे है रेटिफाई कर रहे हैं। और तीन तीन शिफ्ट्स में हम स्किल्स भी देंगे, हम उन्हें टेफ्टा के कोर्सेज भी देंगे, जी मैट्स भी पढ़ाएंगे, सैट भी पढ़ाएंगे, बिकॉज देखें ये सारी चीजें हमारे पास पीएचडीज मौजूद हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं और हमारी बिल्डिंगें उनसे बड़ी हैं, हमारा स्कूल एरिया बड़ा है, हमारे टीचर बेटर क्वालिफाइड है, उन्हें सिर्फ यूटिलाइज बेहतर तरीके से करना है। और इसके अंदर मैसिवली एग्जाम्स पैक, देखें आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं रट्टा, आपने टीचर से पूछा नहीं एग्जाम बनाने से पहले, और फिर आपने सिलेबस जो बनाया उसमें भी ना टीचर ट्रेंड है, तो रटा पढ़ा के आपने एंड में एग्जाम दे दिया स्टूडेंट को असेसमेंट का या एमसीक्यू का, तो उसमें स्टूडेंट का क्या कसूर है? बनाने वालों को सोचना चाहिए नहीं, कि लेकिन खुदा का सर वास्ते किस तरह। बनाने वाले हों या टीचर्स हों, जब वो उसी प्रोसेस से होकर गुजरे हैं जिससे कि अब वो बच्चा गुजर रहा है, तो वो कैसे इनोवेटिव सोचेंगे या वो कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे? इसी तरह जो टीचर्स हैं, अगर नया करिकुलम भी आए या बहुत इनोवेशन भी आप लोग इंट्रोड्यूस कराएं, अनलेस वो टीचर को नहीं, उस हम नया हिसाब से करिकुलम नहीं लाना चाहते। देखिए नंबर वन ऑफ द थिंग्स, हम अच्छी चीजें रखेंगे और बुरी चीजें, बट लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर हमने आईटी पढ़ानी और आप 8वीं में बच्चे को सिखा रहे हैं सीडी रोम, वो दुनिया के अंदर ही खत्म हो गया, तो हम उसमें सिर्फ बेहतरी लाएंगे जहां हम ला सकते हैं। दूसरी बात ये, लाइक आई सेड, हमें तो अभी आए हुए हुआ है 1 महीना, बट आपने देखा फेक स्टूडेंट्स पहली दफा हिस्ट्री में आइडेंटिफाई हो गए, आपने देखा बूटी माफिया के खिलाफ कितना मैसिव क्रैकडाउन हुआ, और आपने ये भी देखा कि हमने कोई से भी आगे पॉलिसी अनाउंस नहीं कर दी। कंसल्टेशन इज द मेन थिंग। आप पॉलिसी गलत अनाउंस करके उसे बाद में साल बाद कहें, ओ ऊप्स आई मेड अ मिस्टेक, अब मुझे बेहतरी की जरूरत है, दिस इज नॉट द वे। एंड सीएम ऑन अल्हम्दुलिल्लाह टेक्स अ मीटिंग ऑन दिस एवरी वीक। हम सही नेट है सोल से लेके बड़े बड़े टेक जाइंट से एडटेक स्कूल्स भी बनाने जा रहे हैं हम, इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि आप ये सारी चीजें एक ही दफा रिफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग और की उसके रिजल्ट में भी आपको टाइम लगेगा, जाहिर है ये तो एक एजुकेशनल प्रोसेस है ना। अब जाहिर है कौमें भी बनती हैं तो वो भी दिहाइयों का एक प्रोसेस होता है, तो उसी तरह स्कूल में आप कोई रिफॉर्म करेंगे या पिछली गवर्नमेंट ने किया या जो भी करेंगे, उसका भी एक समर आपको अच्छा या बुरा आउटकम 2-3 साल बाद ही नजर आएगा कि भाई दिस ये। इज मैं उसमें वर्किंग एक एंड छोटी दिस इज सी नॉट एग्जांपल वर्किंग। प्लीज देना चाहता हूं इंटरप्ट करते हुए। 9वीं के इम्तिहानों में बूटी माफिया एक्टिव था, आज से शुरू है इंटरमीडिएट के एग्जाम, आप अपना फर्क खुद देख सकती हैं 20 दिनों के अंदर अंदर। अगर पॉलिसी ने इतना फर्क डाल दी है कि आज आपको इम्तिहान में मराकज के अंदर बूटी माफिया नजर नहीं आएगा, किधर गया है वो चीटिंग माफिया जो कहता था हमें वैसे सर यहाँ फिर से पास बर्बाद हो नहीं कैसे सकता, होंगे? फिर वो भी एक शर्मिंदगी है कि वो जब कोई हम ही फर्क अगर नहीं बैठ पड़ के रहा। देखिए खबर आप झूठ हम ही नहीं बोल खबर दे रहे होते सकते, हैं कि आप फलाने झूठ नहीं एग्जाम में बोल 20,000 सकते, लोग आप फेल हो बच्चों गए। को फेक तरीके से पास नहीं करा सकते। अगर आपने अपना सिस्टम ठीक करना है, आपको वो सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, आप उस मसले की जड़ की तरफ जाएं, ये कोई तरीका नहीं। नहीं, आपको आई पता नो है आई नो, पंजाब में इस टाइम पॉलिसी ये है कि 8वीं क्लास तक बच्चे को फेल ही ना करो, ये क्या तरीका अच्छा हुआ? अच्छा नहीं, ये दिस इज नो और वे ऑफ दैट वाज ऑन अ टीचिंग द लाइटर नोट। किड्स। ऑफ कोर्स जब तक आप खुद नहीं सीखते, आपकी फायदे की ये बात है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप आगे जो भी जिंदगी में करना चाह रहे हैं वो खुद कर सकें, एब्सोल्युटली हमेशा आपको बूटियां नहीं एब्सोल्युटली मिलेंगी। एब्सोल्युटली। देखिए बैचलर्स में जाना इंटरमीडिएट के बाद बच्चे ने, तो अगर उसका इंटरमीडिएट ही क्लियर गलत तरीके से हुआ है, तो बैचलर्स में क्या पढ़ेगा? ड्रॉप आउट अच्छा हो एक और चीज जाएगा। है सर, एक और प्रॉब्लम है और पेरेंट्स इसके बारे में बड़ी कंप्लेन करते हैं कि, और ये खैर सरकारी स्कूलों का इतना मसला शायद नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल्स का ज्यादा मसला है कि प्राइवेट स्कूल्स में पेरेंट्स पैसे फीस भी दे रहे होते हैं, 8th 9th हो या ओ लेवल्स ए लेवल्स वाला हो, वहां पर भी बच्चे की फीस जा रही है, और उसके बाद फिर एकेडमी कल्चर जो है जिसमें कि ये साफ साफ बताया भी जाता है कि शाम को एकेडमी में हम आपको इसको मजीद क्लैरिफाई करके बताएंगे, वही स्कूल में टीचर्स हैं जो एकेडमीज में भी पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, और स्कूल में वो उसका हवाला भी दे रहे होते हैं कि शाम को जो आपने एकेडमी में पढ़ना है, जो हमने आपको टास्क दिया था वो करके आना, तो पेरेंट्स इससे भी बड़ा तंग हो रहे हैं। वो कहते हैं या तो बच्चों को ओ लेवल्स ए लेवल्स में स्कूलों से निकलवा दें, क्योंकि अगर एकेडमी जा रहे हैं तो फिर वो वहीं पढ़ लें, स्कूलों में फिर पढ़ाने का क्या फायदा, हमारा नुकसान हो रहा है, और अगर स्कूलों में प्रॉपर तालीम या उस तरह से उस चीज को नहीं केटर किया जा रहा जिसकी वजह से वो एकेडमी जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। हर बंदा एकेडमी की फीस भी नहीं अफोर्ड कर सकता आजकल के दौर में। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए जी इसमें दो एंगल्स हैं। पहला तो प्राइवेट स्कूल्स का एक ही मॉडल होता है, बच्चे से फीस लो और फिर स्कूल चलाओ, खुद भी कमाओ और आगे बढ़ते जाओ। बट अगर हमारे, मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमारे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स का मेयार बेहतर हो जाए 10-20% भी, तो यही वो प्राइवेट स्कूल्स की गुंजाइश है। तो बजाय उन्हें क्रिटिसाइज करने के, पहले हम अपने आप को अपलिफ्ट करें। अकेडमीज की आपने बहुत अच्छी बात की, अगर प्राइवेट स्कूल्स 20-30 हजार है तो हमारे स्कूल्स 50 हजार है, तो उस मॉडल के ऊपर देन अगेन अगर हम उसे अपलिफ्ट कर लेंगे,
प्राइवेट स्कूलों की फीसें भी नीचे आ जाएंगी, वो अनड्यू डिमांड्स के इतनी पेंसिलें लाएं, हमारे से ही आपने यूनिफॉर्म लेना है, उसके लिए नंबर वन ये हम बहुत जरूरी। दूसरा, प्राइवेट स्कूल्स को देखें, क्रेडिट भी देना चाहिए, जितने बच्चे हम पढ़ा रहे हैं उतने ही वो पढ़ा रहे हैं, उसमें अच्छे बुरे की तफरीक नहीं होगी कि कौन सा अच्छा सिस्टम है, तो उसके लिए हम सजा जजा का निजाम ला रहे हैं कि वी विल ऑल्सो टेल पंजाब कि ये स्कूल्स अच्छे हैं, इनकी पढ़ाई के लर्निंग आउटकम्स ये हैं, और ये स्कूल्स जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे 25 साल से जो टॉपर हैं वो टॉप करते हैं 10 साल हमारे स्कूल में पढ़ के, बट उन्हें इवेंचुअली प्राइवेट स्कूल्स आके उठा लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बहाने से, उन्हें उठा लेते हैं कि वो गाड़ियां देते हैं उन्हें, और फिर मिसलीड करते हैं पूरे पंजाब को। इस तरह हमारे चूनिया से एक बच्चे ने 2017 में टॉप किया 10 साल हमारे स्कूल में, अगले दिन मैंने उन्हें एक लैपटॉप भेजा, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भेजा इन माई पर्सनल कैपेसिटी, क्योंकि मुझे तालीम से इश्क है। अगले दिन देखा कि प्राइवेट स्कूल ने उसका बोर्ड लगाया हुआ, आई वॉज अमेज के कैसे लगाया, पढ़ा तो वो हमारे स्कूल में, उन्होंने होंडा सिविक दे दी जी। उसमें जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं वो रिफॉर्म्स हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स को लिमिट करेंगे, 10% बच्चे फ्री पढ़ाना उन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है मैंडेट में, कौन से बच्चे 10% फ्री पढ़ा रहे हैं उन पे हम उनके साथ बैठेंगे कि देखें एलजीएस डिफेंस के अंदर चैरिट प्रिंट के बच्चों का 10% का कोटा, या डिफेंस के बाकी ज्यादा एम्प्लॉइज का, इसी तरह हर प्राइवेट सेक्टर स्कूल का, चाहे वो छोटे शहर में हो बड़े में हो, 10% बच्चे फ्री पढ़ाने। और इसी तरह आपने सही कहा कि अकेडमीज में फिर क्या पढ़ाने की जरूरत है अगर आप दिन में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे, तो इस पे पहली पॉलिसी अपना स्टैंडर्ड रेज करें ताकि प्राइवेट स्कूल्स खुद ही नीचे आ जाएं, उनकी डिमांड बेहतर हो जाए, वो आपके पीछे पीछे फिरें, और दूसरा उनके साथ बैठ के ये जामे पॉलिसी बनाना कि रॉन्ग्स एंड राइट्स की तफरीक कर लें और अच्छे और बुरे स्कूल्स की भी तफरीक कर लें, वो दुनिया को भी बताएंगे और स्कूल्स को भी बताएंगे। और उसके लिए मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूँ एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम और टीम आ चुकी है, हम मुकम्मल ईमानदार हैं, बाखुदा एक रुपए की करप्शन नहीं होने देंगे, और तालीम का सिपाही हूं मैं तो तालीम को हराना भी इम्पॉसिबल है, बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, दुनिया का सबसे कमाल तालीमी निजाम और निसाब लाना है पंजाब। अच्छा, और इंशाल्लाह आप देखिएगा, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्ड कर लें ये कॉन्वर्सेशन, और अगले एक साल जी के जी बिल्कुल ठीक है, आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। नहीं नहीं, लोग देख रहे हैं और बिल्कुल वो खुद अपना पैमाना तय करेंगे और वो खुद उनके बच्चे उनको बताएंगे कि स्कूल्स कैसे हैं और कैसे बदले या ना बदले। फाइनली मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एक और मसला जो स्कूल्स का है वो, और वो गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा अच्छे तरीके से केटर कर सकता है क्योंकि उनके पास वसायल, अब तो खैर वसायल मुझे नहीं पता कितने हैं या नहीं, लेकिन वसायल होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट हमेशा एक बेहतर डिलीवरी कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे और थोड़ी सी क्वालिटी मुतारिफ कराए। ट्रांसपोर्ट एक मसला है, और एक और चीज जो हमने बाहर के स्कूल्स में देखी है वो है कि बच्चों को जो लंच मिलता है, बहुत सारे बच्चे तो खैर हमारे अपने खुद लेकर आते हैं लेकिन बाहर एक स्टैंडर्डाइज्ड जो डाइट है वो उनको मिलती है स्कूल में, जिसमें दूध है और इस किस्म की जो बेसिक्स हैं जो उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में एक मैल नरिशमेंट का भी सिलसिला जो है वो बहुत सीरियस एक अलार्मिंग इशू है, और हर शख्स वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता, वो बच्चे को स्कूल तो भेज देता है किसी ना किसी तरह, लेकिन वो उसको लंच देना या एक क्वालिटी डाइट देना वो उसका एक मसला रहता है। तो जो वो भी हम गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स वाले वालों से हम नहीं इतना एक्सपेक्ट करते, एंड इस पे मैं आपसे चाहूंगी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा, हजारों बच्चे स्कूलों के अंदर फेंट हो जाते हैं, लर्निंग आउटकम्स हमने देखे हैं, इस तरह के कई स्कूल्स मौजूद हैं, लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो बगैर नाश्ते के स्कूल आते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या होगा, उनकी मेंटल ग्रोथ क्या हो रही है, न्यूट्रिशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम आ रहा है इस जून में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसमें हम हर प्राइमरी स्कूल के बच्चे को जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर हैं, 32,000 स्कूल्स हैं, आप इमेजिन करें द नंबर, हम उन बच्चों को जो कि कम से कम 50 से 60 लाख बच्चे हैं उन्हें डेली फ्लेवर्ड मिल्क देने जा रहे हैं टू बिगिन विद, ताकि वो सेफ और पैकेज्ड हो, एंड देन ग्रेजुअली विल कम टू प्रोटीन बार्स एंड अदर थिंग्स, ताकि उनकी सारी न्यूट्रिशन नीड्स केटर हो सके। बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड अटेंशन आपने दिलाई मेरी भी, बट आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर दिस कि अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में करीबन 40 से 45 अरब रुपए का ये पैकेज ये जून में दिया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम और स्कूल मील प्रोग्राम, जिसमें हम इंशाल्लाह 50 से 60 लाख बच्चों को डेली फ्लेवर्ड मिल्क देने जा रहे हैं, लो फैट मिल्क देने जा रहे हैं, ताकि उनकी ग्रोथ बेहतर हो सके, उनके दिमाग की डेवलपमेंट, उनकी
फिजिकल डेवलपमेंट, उनके लर्निंग आउटकम्स और स्कूल की रिटेंशन में इसमें बहुत बेहतरी आएगी, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में बहुत कमी आएगी। तो दिस प्रोग्राम इज ऑन द कार्ड्स और मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अनाउंस कर रहा हूँ कि दिस जून इंशाल्लाह पाकिस्तान्स फर्स्ट स्टूडेंट मील प्रोग्राम बाय द चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ। ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राणा सिकंदर एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी इशू पे मुराद राज साहब को भी लें, क्योंकि ये उनके दौर की कहानी है, जो फेक दाखले या जो गोस्त दाखले हैं उनकी बात हो रही है। तो उनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी हम थोड़ी सी प्रोग्रेस पे भी डिस्कवर करेंगे कि कहाँ तक उनकी प्रोग्रेस हो सकी थी व्हाइल ही वॉज लीविंग द ऑफिस, और उसके बाद अब की क्या सिचुएशन है उनके मुताबिक और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो हम ऑन एंड ऑफ प्रोग्राम में उठाते रहते हैं। एक और इशू है जो कि है तंबाकू नोशी का, और उस पर भी हम बात करते रहते हैं। आप लोगों को भी हम जितनी कोशिश हो सके हमारी, हम अवेयरनेस दिलाने की भी कोशिश करते हैं। खुद भी हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं जब हम डॉक्टर्स से बात करते हैं और मुख्तलिफ हेल्थ इशूज की बात करते हैं। अब तंबाकू नोशी एक ऐसा इशू है जिस पर कि गवर्नमेंट्स की विल होना बड़ा ज़रूरी है उसको कर्ब करने में, उसको उसकी रोकथाम करने में। अगर वो नहीं होगी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। और यूके की जो हुकूमत है, बरतानवी हुकूमत, उन्होंने इसके खिलाफ एक बिल पास कर दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में वो बिल पास हुआ है और उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताती हूँ कि बरतानिया में तंबाकू नोशी से होने वाले कैंसर की शरह में शदीद इजाफा हुआ है और हर साल पर ईयर 64,000 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बरतानिया के ये कुछ आदाद शुमार हैं जो मेरे पास आए। और बरतानवी पार्लियामेंट में स्मोक फ्री यानी धुएं से पाक नस्ल के फरोग के लिए स्मोक फ्री जनरेशन जो है वो अब इनेकाद करने जा रहे हैं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल पास करवाया। जब वो प्रेजेंट हुआ तो 383 वोट जो है उस बिल को उसके हक में पड़े कि हम स्मोक फ्री सोसाइटी चाहते हैं, हम स्मोक फ्री ब्रिटेन चाहते हैं, और हुकूमती पॉलिसी को मंजूर कर लिया। अब इस बिल की मंजूरी जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से होनी बाकी है, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। और इसमें जो है मुख्तलिफ शराइत हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ एज का भी वो लोग तयन कर रहे हैं। उन्होंने एज भी बताई है कि हम 18 साल से कम उम्र एज कर देंगे ताकि मजीद जो है वो कानून है वो और ज़्यादा फुल प्रूफ हो जाए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि फाइन्स, बड़े बड़े फाइन्स उन्होंने मुतारफ कराए हैं, 2500 पाउंड तक, रुपए मैंने कहां से बना दिया उसको, 2500 पाउंड जो कि तकरीबन $3,800 बनते हैं, इतने फाइन्स वो करेंगे इस चीज को अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। एक बहुत पहले पुराना कानून भी था जब मैं वहां पर पढ़ती थी, वो ये था और वो नया नया आया था, उसके बिलबोर्ड्स लगे हुए थे हर तरफ सड़कों पर और वो हमने देखा, हम बड़े हैरान हुए और हम इस चीज से खुश भी हुए कि अगर कोई शख्स गाड़ी में कोई छोटा बच्चा बैठा है, तीन साल से कम उम्र का बच्चा, और अगर कोई शख्स गाड़ी में उसके साथ बैठकर स्मोकिंग कर रहा है और वो बच्चा छोटा पैसिव स्मोकर बन रहा है तो उस पर तो आप सलाखों के पीछे हैं। ये तो उन्होंने साफ साफ बिलबोर्ड्स पे लिखा था। अब नाउ आई डोंट एग्जैक्टली नो कि अब वो कानून जो है वो एज इट इज चल रहा है, लेकिन चूंकि इन्होंने ये स्मोक फ्री यूके बनाने का ऐलान किया है और इनका जो प्लान है, इनकी डेडलाइन है कि बाय 2040 हम यूके को या बरतानिया को मुकम्मल तौर पर स्मोक फ्री कर देंगे। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप जब हेल्थ के हवाले से काम करते हैं तो उस सोसाइटी में बहुत एक बेहतरी आने लग जाती है। तो लुकिंग फॉरवर्ड के यूके, एक तरफ उनका प्लान है गो ग्रीन का जो कि 2030 तक उन्होंने अचीव करना है, जिसमें वो रिन्यूएबल एनर्जी और ये कोल वगैरह से और जो भी हार्मफुल जो इमिशंस हैं उनसे छुटकारा हासिल करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी डेडलाइन है 2030। और दूसरी तरफ है ये 2040 जिसमें कि वो स्मोक फ्री ब्रिटेन जो है या स्मोक फ्री जनरेशन वो करना चाह रहे हैं अचीव। अच्छा, इसी से मुझे याद आया कि कैनेडा की यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ और वो मैंने उसके कुछ वीडियोस देखी और मुझे बड़ी वो अच्छी लगी। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस इन द वर्ल्ड। उसमें फ़लस्तीन के हक में कैनेडियन तलबा की जानिब से इजहार यकजहती किया गया है, जिसमें तलबा ने अपनी यूनिवर्सिटी के तकरीबन 30 जो हैं कैंपस, उसके जो कमरे हैं, रूम्स कह लें उसको या कुछ इस तरह की, उसके नाम जो हैं
कैंपस कह लें इसको आप या बिल्डिंग्स कह लें, उसके नाम बदल के फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करते हुए फ़लस्तीनी नामों पर रख दिए हैं। ये काम यूनिवर्सिटी के सफ़र मैगिल नामी एक तलबा तंजीम की जानब से किया गया है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स पर फ़लस्तीनी जगहों के नाम चिपका दिए हैं। आपको नज़र आ रहा है बेदयार, अमका और बेदजान, नॉर्थ गाज़ा, और ये जो ओरिजिनल उन बिल्डिंग्स के नाम थे उनके ऊपर उन्होंने टेप से मुख्तलिफ़ गज़ा के नाम लिख दिए हैं, फ़लस्तीन के नाम लिख दिए हैं। ये उन्होंने इजहार यकजहती की है फ़लस्तीन के साथ, और ये ज़बरदस्त एक इकदाम है। पूरी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को उन्होंने ये पैगाम दे दिया है। खान यूनस लिख रहा है यहाँ पर, तो ये पैगाम दे दिया उन्होंने कि देखो हम क्या चाहते हैं और हम क्या समझते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी और मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों को बताऊं कि दुनिया में चाहे हुकूमतें कुछ भी कर रही हों, हुकूमतें किसी भी किस्म की पॉलिसीज़ आपके ऊपर मुसलत कर रही हों, चाहे वो कितनी ही जस्ट या अनजस्ट क्यों ना हो जाएं, एक इंसानी शऊर और एक इंसानी जो बेदारी है वो हमेशा रहती है, और वो हमेशा एक हुकूमती जस्ट या अनजस्ट पॉलिसी से ऊँचा बोलती है। तो वो जो इंसानी बेदारी है, इंसानी शऊर है, वो हमें जितना वेस्ट में नज़र आया उतना अफसोस के साथ मुस्लिम ममालिक में नहीं नज़र आया। लेकिन लोगों के बारे में मैं नहीं कहूँगी, मैं ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की बात कर रही हूँ। जो वेस्ट की गवर्नमेंट्स कर रही थी वही मुस्लिम ममालिक की गवर्नमेंट्स भी कर रही थी, लेकिन बहरहाल हमारी दुआ है कि उन लोगों की मुश्किलें आसान हों और अल्लाह ताला उनको उनकी रेजिस्टेंस का सबर दे, उनकी रेजिस्टेंस का समर दे। और एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। और मैं ये सोच रही थी कि हम इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में सियासी, उस पर हम बात तो करते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, लेकिन कुछ सियासी जमातों को हम इतना ज़्यादा एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। जाहिर है मीडिया है, हर एक एंकर का काम होता है और हर एक का दिल करता है कि भाई मैंने उस पर उस चीज़ पर एक खास शख्स का टेक लेना है या मैंने ये करना है। तो वो लोग, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि वो थक जाते होंगे कह कह के या जवाब दे दे के हर चैनल पर जाके हर एंकर के सामने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कस होने वाली हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शंस हैं पंजाब में, उसके अलावा केसेस चल रहे हैं। बुशरा बीबी का एक सिलसिला है जो कि चल रहा है, जिसमें वो ये डिमांड करते हैं कि उनके खास टेस्ट होने चाहिए और उनकी जो सेहत है उसके बारे में सबको पता लगना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बीच में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उनके घर वालों की मुलाकातें जो थी उस पर पाबंदी थी, अब बहरहाल वो मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल हो गया है, लेकिन सुना है कि बीच में कोई दीवार और कुछ शीशा वीशा लग गया है, कुछ ग्लोब सा है वो नज़र नहीं आता, या वो अब आप फिजिकली उनके साथ इंटरेक्ट किसी किस्म की नहीं कर सकते इंटरेक्शन। इस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हम ठीक ठाक हैं ज़ैन, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक है, सब खैर है, सब खैर, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर हर जगह सब खैर। अच्छा, अल्लाह ने बड़ा करम किया। अच्छा, तो अब आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमने तो कुछ खबरें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो खैर कल ज्वाइंट सेशन का मामला हुआ कि वहां पर जो पीटीआई ने कल उनके साथ कर छोड़ा, तो ये क्यों, वजह इसकी क्या थी? क्योंकि आप लोग हमेशा ये चीज कहते थे कि देखें वजीर आजम आता है या सदर आता है उसको कम से कम पहला खिताब करने दें, सुन लें, फिर उसके बाद आप एहतजाज करें जो भी करना है। तो कल आप लोगों ने भी वही किया जो उन्होंने किया था आप लोगों के साथ। देखिये कल जो तकरीर हुई ना जी, हमारा हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो हम पहले नहीं कह रहे। हम 8 फरवरी से एक ही बात कर रहे हैं। 8 फरवरी से हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने एक आग का दरिया भूर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया, किसी को जूते के निशान पे दिया, किसी को बैंगन के निशान पे दिया। था निशान? जूता मेरा निशान जूता, था अच्छा। ना, पूरे पाकिस्तान में मेरा ही जूता था। सर जूता ना करें, बूट कहें, बूट नहीं, मेरा बूट नहीं था, मेरा जूता अच्छा, था। हाँ, मेरा बाकायदा जो ऑक्सफोर्ड टोट भी प्रिसाइज जूता था। तो उन निशानात के ऊपर, ऊट पटांग किस्म के निशानात के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती ये है उस वोट पे भी डाका डाला, उस मैंडेट पे भी डाका डाला, वो मैंडेट हमारा चुराया गया। आज बदकिस्मती क्या थी, उस ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 16 सीटों वाली जमात जो है वो हुकूमत में बैठी थी। हाउस ऑफ फेडरेशन हम बुलाते हैं सेनेट को, फिर हम कहते हैं कि जी वफाक की अलामत है ये हाउस ऑफ फेडरेशन, उसके अंदर जो केपीके के हमारे सेनेटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। तो वो तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट था ही नहीं, उसमें से अगर आप 47 वाले निकाल दें बाहर तो हाउस ही खाली हो जाता, पीछे बचना ही सिर्फ हमने था। फिर जरदारी साहब जो हैं वो अभी भी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं, वो है? अभी भी नोडेरो जाकर तकरीरें कर रहे हैं, तो एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको सबसे पहले जो है इस्तीफा देना चाहिए था और उनको ट्रूली फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए था। उन्होंने अपनी तो वो लवाजमात पूरी की नहीं, हमें आके भाषण सुनाने आ गए। अब भाषण भी उन्होंने हमें सुनाया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है? कोई उसमें रोड मैप नहीं दिया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का मकसद ये होता है कि वो आके दोनों हाउसेस से बात करते हैं और एक लाहे अमल देते हैं कि जी आने वाले वक्तों में मुल्क में जो चैलेंजेस हैं, आप दरकार हैं, आपने उनको इस तरीके से आगे चलना है। वो मफाहमत की वो बात कर गए आके, वो आके कहते हैं कि जी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके कॉल ऑफ फेल में हमेशा की तरह एक तादाद है। आप देखते हैं कि बात रिकंसिलिएशन की हो रही है, लेकिन जैसे आपने खुद अपने इंटरव्यू में बता दिया, हकीकत यह है कि असीरान हमारे अभी भी जो हैं बिला वजह जेलों में फिर पड़े हैं। हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। हमने मुतालबा किया कि जी 9 मई के ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए। हमने मुतालबा किया कि जी 8 फरवरी में होने वाले इलेक्शन पे कमीशन बनना चाहिए, जजेस के 6 खतों के ऊपर। जो आप लोगों के साथ हुआ, वैसे कमीशन तो बने, लेकिन जो आप लोगों के साथ हुआ उन कमीशन पे आप लोगों को होगा एतबार? देखिये ना, इसको हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हमें तो बताया जाता है कि ये ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल करें। हमने तो ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल कर दिया। हमें कहा जी इलेक्शन कमीशन में जाओ, हम इलेक्शन कमीशन में चला गया। हमें कहा जी ट्रिब्यूनल्स में जाओ, हम ट्रिब्यूनल्स में चले गए। हमें कहा कोर्टों को कचहरियों में जाओ, हम कोर्ट कचहरियों में चले गए। तो हम तो थोड़े बहुत, क्योंकि दैट गोज टू शो कि अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सच जो है उभर के सामने आएगा। हम डे वन से कह रहे थे कि बेजाबती है इसमें। साइफर केस को ले ले, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिस तरीके से साइफर केस की ट्रायल अडयाला जेल में की गई थी उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी। आज साइफर केस जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, डीबी डिविजनल बेंच के सामने चल रहा है, चीफ जस्टिस के सामने चल रहा है, आप देख रहे हैं उसकी कलाई खुलती जा रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इस हफ्ते के अंदर उसमें फैसला भी मिलेगा और इमरान खान साहब के और शाह मंसूर साहब के हक में मिलेगा। सही है। हम ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो आइन और कानून से तजावज करता है या आइन और कानून के बाहर करता है। जो हमने एहतजाज भी अपना किया है वो हमने विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द लॉ किया है। तो हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे। अब हुकूमत पे ओनस होता है। हमें ये बात बताई जाती थी जब हम हुकूमत में थे, वहां के बड़े बाप, वहां के बुर्दबार बने, बड़े बने और बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखे, तो आज हुकूमत क्यों नहीं कर रही? आज अगर आप करेगी जब आप उनके साथ बैठेंगे ना, तो वही मजाहमत और मफाहमत वाली बात। हम उसी अमान में बैठे थे ना। देखें जब वजीर आजम ना, वो अलग है ना। जब हमें भी पता है कि अभी आप लोगों का उनके साथ बैठना या उनका आपके साथ बैठने से पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठे हैं, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। उसकी वजह है हम जो है ना, हम आंसरेबल हैं अपने वोटर को, अपने वोट बेस को। जब हमारा वोटर ये देखता है कि इमरान खान साहब को और हजारों ऐसे असीरान को हमने जेलों में बेगुनाह रखा हुआ है, जब वो देखता है कि जैसे आपने भी खुद जिक्र किया कि बुशरा बीबी के साथ एक बड़ा संगीन उन्होंने इल्जाम लगाया है, जो शुड बी थरली इन्वेस्टिगेटेड, तो क्या कह रहे हैं? वो कह रही है कि मेरा मेडिकल चेकअप करा लो और मैं सरकारी अस्पताल में एतमाद मुझे नहीं है, मुझे शौकत खानम से करा दो, उसमें कौन सी कबाहत है? ठीक है, उसमें कोई कबाहत नहीं। आप उनके बाथरूम में आप जो कैमरे लगा दें या आप उनको वो उनको ये खदशा हो कि उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो ना हमारा आईन इसकी इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, ना इखलाकियात इसकी इजाजत देती है। जब ये चीजें होती है, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जी जब भी आपने किसी नेगोशिएट करना होता है तो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। कहीं आधा रास्ता आप आके मिलेंगे, आधा रास्ता हम आके मिलेंगे, वहां पे कहानी होगी मुनासिब कर लेकिन रहे। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से चढ़ाई किए रखे, अगर अब आप देखें कि आप आखिरी बात करो, मैं भूल जाऊंगा। मुल्क के अंदर इलेक्शन बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं 21 तारीख को। आपने पंजाब के 10 अजला में जाकर सेक्शन 144 लगा दिए, ठीक है, उस पर हम करेंगे बात। इलेक्शन जैन ये बताएं कि 21 अप्रैल की जो इलेक्शन है, कैंपेन के खिलाफ तो आप लोगों के 144 लगा हुआ है, वो कैसे कर रहे हैं और इलेक्शंस में रिजल्ट क्या आने का आपको इम्कान है, फॉर्म 45 वाला या 47 वाला? देखिए आज ये है, क्योंकि हमने जहां से बात शुरू हुई थी मैं वहीं से करता हूं, कि प्रेसिडेंट साहब ने आकर अपने बयान में, अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कह दिया कि रिकंसिलिएशन होना चाहिए, मुल्क को आगे चलना चाहिए। बट उनके कॉल और फेल में तसाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि पंजाब के अंदर 3 दिन बाद जिमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन आपने पंजाब के 10 अजला के अंदर सेक्शन 144 लगा दिए। अब ये मंतक से जो है ना डिवॉइड ऑफ ऑल लॉजिक बात है कि एक जगह पे इलेक्शन हो रहा है, वहां पे ज़हर एक्टिंग्स होनी है, जलसे जुलूस होने हैं, इलेक्शन की फिजा बननी है, माहौल बनना है, वहां आपने सेक्शन 144 लगा दिया है, तो मतलब आपने जो है ना बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की नफी कर दी है। और यही वो हरकतें हैं जिससे फिर नजर आता है कि ये इनकी नीयत नहीं है कोई रिकंसिलिएशन करने की। ये वो जो हम कहते हैं ना घोंगलों से मिट्टी उतारने वाली बात है। जहां तक ग्राउंड रियलिटी की बात है वो मैं आपको आज क्लियर कट बता देता हूं कि अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत आपने 8 फरवरी को भी देखी थी,
तहरीक इंसाफ को जैसे मैंने पहले बताया जूते के और बैंगे के निशान पर वोट पड़े थे, इस दफा घोड़े के निशान के ऊपर उसे डबल वोट पड़ेंगे क्योंकि आवाम के अंदर गम गुस्सा भी ज्यादा है, आवाम को एक्सप्रेस करने का कोई एवेन्यू नहीं मिल रहा। 8 फरवरी को भी उन्होंने अपना गुस्सा निकाला था, 21 तारीख को भी अपना गुस्सा निकालेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को अनप्रेसिडेंटेड वोट मिलेगा। अब इंशाल्लाह पीटीआई के कारकुन को भी तैयार है, और जितना अलग अलग चीजें, मैंने कहा पीटीआई के कारकुन भी तैयार है, हमें भी पता है फॉर्म 45-47 हमने कैसे हासिल करना है और अपने मैंडेट जो पहले इन्होंने डाका डाला हमारे मैंडेट पे उसको हमने कैसे बचाना है। इंशाल्लाह आपको 21 को नतीजे बताएंगे कि वन वे काम है पंजाब में इंशाल्लाह। सही है। अच्छा अब आ जाते हैं जरा अडियाला की और केसेस की तरफ कि शाह साहब के और इमरान खान साहब के जो केसेस चल रहे हैं उनमें बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि आप लोगों के मुताबिक या कानून की नज़र से देखें, बहुत सारे दीगर माहिरीन कानून को हमने सुना वो कहते हैं कि वो केसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ख़त्म हो सकते हैं या हो जाएंगे आने वाले वक्तों में जब मामला ज़रा मफाहमत की तरफ जाएंगे, लेकिन तब तक आप लोगों की मुलाकातों के हवाले से या ईद के हवाले से बड़ी बातें सामने आई, मुख्तलिफ वीलॉग्स और मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी दी कि ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दी, फिर उन्होंने कहा ईद की नमाज पढ़ने दी, फिर उन्होंने कहा नहीं ईद की नमाज, ये 3 दफा ये खबर आई मुख्तलिफ और इवन अखबारों में ये छपी। अच्छा, पूरी डिटेल्स के साथ। हकीकत इसमें ये है कि ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी दोनों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी। अब हुआ क्या कि आपके इल्म में है 2 हफ्तों का बैन लगा, केजरी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुलाकातों पर बैन लग गया और हमने जब दरखास्त दी हम कोर्ट में गए तो हमें बताया गया कि हम इन जेलों की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, नफरी बढ़ाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, दीगर अपने करेंगे, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स आएंगी, हमें खदशा है टेरर अटैक का। तो 2 हफ्ते आपने लगाए सिक्योरिटी को, आपने अपना जो भी करना था आपने उसकी लवाजमात को बेहतर किया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि ईद के ऊपर, हालांकि ईद की नमाज एक मतलब हर मुसलमान पढ़ता है, हमारे फराइज में शामिल है, इन्होंने कहा जी सिक्योरिटी के पेश नजर जो है हम आपको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे सकते। तो भाई अडियाला जेल के अंदर कौन सी सिक्योरिटी है, आपके आपकी जेरे निगरानी वो है, नफरी मौजूद है, अभी 2 हफ्ते लगा के आपने अपनी सिक्योरिटी बेहतर की थी तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट आ गई थी आपने उनको ईद की नमाज नहीं पढ़नी दी। ये फिर वही वाली बात आ जाती है कि वो बदनीति नजर आती है यहाँ पे, हालांकि ईद की नमाज पढ़ने देने में कोई ऐसी कबाहत नहीं थी, ईद की नमाज उनको पढ़ने देनी चाहिए थी, उनका एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। जहां तक है केसेस की बात तो अभी तो ऑब्वियसली साइफर का केस चल रहा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, डिविजनल बेंच के सामने चल रहा है, जो डिफेंस है उसने अपनी आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं, प्रोसिक्यूशन ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर दी हैं, मंडे को हमारी जो है अगली उसके ऊपर समाप्त होनी है। मैंने पहले भी ये कहा था, मीडिया पे आके कहा है, पूरी ट्रायल के थ्रू मैं कहता रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने इसको कंडक्ट किया था ट्रायल को, उसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी। सबसे बड़ी इरेगुलरिटी ये थी कि जो 342 का बयान होता है वो शाह कुरैशी साहब का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ, उसके अलावा उसके बावजूद उनको 10 साल की कैद सुना दी गई। फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज थी। आज जब वो केस खुल रहा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच के सामने, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये इन्होंने कैसे किया है। मिसाल के तौर पर आपको एक छोटा सा मिसाल दे के, प्रोसिक्यूटर साहब ने बताया कि जी 30 तारीख को हमने इनको इंडाइट भी किया, 30 तारीख को हमने इनका 342 का बयान भी कराया और 30 तारीख को हमने इनको सजा भी सुना दी। उनका ये कैसे मुमकिन है कि आपने तीनों चीजें जो है एक ही दिन में कर दी। सो और कलाई खुल गई है उसकी कि भाई स्पीडी जस्टिस नहीं, वो मैंने पहले अपने मैंने ट्वीट भी की कि इलेक्शन से पहले जो है उजलत का शिकार था इनको सजा या सजा सुनाने का, और अब जब केस जो है हाईकोर्ट में आया है तो अब रखना अंदाजी कर रहे हैं, अब वो डिले की कोशिश कर रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं कि जी हमें तमे 3 दिन चाहिए प्रिपरेशन के लिए। भाई 9 दिन आपको ईद की छुट्टियों में मिल गए थे, कोई नई चीज नहीं ना, ईद मनाएंगे केसेस थोड़ी तैयार करेंगे, 9 दिन की तो कोई ईद नहीं मनाता ना, ईद तो 3 दिन की होती है, बाकी 6 दिन क्या करते रहे। दूसरी बात यह है कि अब इस प्रोसेस को आगे चलना होगा, आप इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। और अगर आप वाकई ही कहते हैं कि आपने रिकंसिलिएशन कर, मैं मान लेता हूं आपकी बात, मैं आपकी नियत पर शक नहीं करता, आप कहते हैं रिकंसिलिएशन होनी है, इमरान खान को जेल में रख के रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जेल से बाहर निकालें, हमारे असीरान को जेल से बाहर निकालें, हमारी खवातीन, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी पार्टी का वर्कर, हजारों लोग ऐसे हैं जो जेलों में हैं, उनको आप बाहर निकालें, शो अस यू आर सीरियस, हम आपसे बैठ के बात करने को तैयार हैं। खान साहब भी, खान साहब ने खुद कहा कि मैं बात करने को तैयार हूँ, खान साहब ने तो अब जेल से आपको स्टेटमेंट दे दी ना, खान साहब ने कि मुझे तो कोई इतराज नहीं है, खान साहब ने तो बल्कि ये भी कह दिया, मतलब बैठेंगे, मैं सवाल मेरा ये था कि बैठेंगे खुद खान साहब उनके साथ या शाह साहब बैठेंगे, खान साहब भी बैठ जाएंगे, शाह साहब भी बैठ जाएंगे, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है, बट पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है
जो कि आपने हमारा मैंडेट चुराया हुआ है, आपने हमारे लोगों को जेलों में बंद किया हुआ है, आज 11 माह से ज्यादा हो गए हैं, 9 मई के चक्रों में हम लोग फर्क फर्क कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, जब तक आप इन चीजों का अजाला नहीं करेंगे, आप हमें नहीं दिखाएंगे आप सीरियस है, हम अपने वोटर को कैसे शक्ल दिखाएंगे, हम उसको कैसे क्या बताएंगे? हमारा वोटर हमारे से डिमांड करता है कि यार हमने तो आपको निकल के वोट दिया था, उस मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, आप उसका दिफा करें। अच्छा, लेकिन वोटर सपोर्टर एक और सवाल भी पूछ रहे हैं और ये मेरा फाइनल आपसे क्वेश्चन है कि बुशरा बीबी की तबीयत और सेहत के हवाले से बड़े अरसे से उनकी बहन आयशा वट्टू जो है वो ट्वीट्स कर रही हैं और बड़े अरसे से वो पार्टी की लीडरशिप को, उमर अयूब साहब को, गौहर साहब को टैग भी कर रही हैं कि इस पे बात करें, इस पे बात करें। फिर उनकी जो मशाल यूसुफ जई हैं, जो वो आ गई, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो आ गई तर्जुमान, और एक तरफ वो तरदीद करती रही कि नहीं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नहीं उनकी तबीयत खराब है, बहन कहती रही खराब है, वो कहती रही ठीक है, और पार्टी जरा खामोश थी उस पर, मतलब वो काफी टाइम से वो लगी हुई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ ठीक रवैया नहीं इख्तियार किया जा रहा बनीगाला में, आप लोगों की तरफ से कोई बोल नहीं रहा था उस पर वजह? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, हम सबने बात की, हमने ट्वीट की है, मैं खुद उस पर ट्वीट करता रहा हूँ। देखिए, इसका हल बड़ा सिंपल है, वो क्या कहती है, हम क्या कहते हैं, सिंपल हल ये है कि बुशरा बीबी ने जो बात की है वो संगीन बात है, उसके ऊपर हुकूमत को कान धरने चाहिए। अगर वो कह रही है मेरी तबीयत खराब है, या अगर उनको खदशा है कि उनको उनके खाने में कुछ मिलाया गया है, उसका टेस्ट होना चाहिए। अब बुशरा बीबी कहती हैं कि मेरा भाई, जाहिर सी बात है, आपने उनको जिस जिन कंडीशन में रखा हुआ है, जो वो बातें कर रही हैं, वो कहती है मेरी आंखों में खुजली होती है, मेरे मैदे में मुझे लगता है कि मुझे मसला है और दीगर मसाइल है, टेस्ट कराएं, मुल्क में अस्पताल और लैब इसीलिए मौजूद है। वो कहती हैं कि मुझे अगर ट्रस्ट शौकत खानम के ऊपर, तो शौकत खानम भी पाकिस्तान का अस्पताल है, उनके टेस्ट होने चाहिए और ये चीज़ मंजरे आम पे आनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत ही सीरियस बात की है कि मुझे लगता है कि मेरे क्वार्टर्स के अंदर और मेरे बाथरूम के अंदर जो है अगर कैमरे नष्ट किए गए, ये बड़े संगीन इल्ज़ाम है, इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर उन्होंने नहीं किया तो आके बताएं आवाम को, नहीं किया, और अगर किया तो उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ज़ैन कुरैशी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और अब देखना यह है कि 21 अप्रैल को इलेक्शंस के रिजल्ट क्या होते हैं और जीतता कौन है और वोट किसको पड़ते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर थोड़ी डिस्कशन करने के लिए हम मुआशी माहिरीन की तरफ रुख करते हैं। हमारे जो आजकल के जो सवाल हैं वो ये उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान का मुआशी फ्यूचर आने वाले 6 महीनों में या 1 साल में क्या है। मुख्तलिफ आलमी इदारों की रिपोर्ट सामने आती हैं पाकिस्तान के हवाले से, मुख्तलिफ उसमें बातें की जाती हैं, लेकिन जब तक आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ सकते तब तक आप पाकिस्तान की मुआशी रियलिटी को डिटर्मिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्या होगी। और इसी हवाले से हम बात करेंगे, शहबाज राना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और मुआशी मामलात को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं, बहुत करीब हैं, पावर कॉरिडोर में भी जाहिर है ये कवरेज कर रहे होते हैं, इनको इकोनॉमी के मामलात का बहुत सारे लोगों से बेहतर इदराक है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं शहबाज, बहुत शुक्रिया। ये बताएं पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी ठीक है, वो कैसी है? देखिए, वो हर प्रोग्राम जब नया आईएमएफ के साथ में साइन करते हैं तो जो भी वक्त का वज़ीर-ए-आज़म होता है वो कहते हैं बिल्कुल ये आखिरी प्रोग्राम, इसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। और हमारा जो बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम था उस वक्त के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और आज के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने साइन किया था जुलाई 2023 में इंप्लीमेंट हुआ, तो कहते ये बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम है। और अब फिर इस वक्त हमारे जो वजीर खजाना है वो वाशिंगटन में है, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से उनकी 2 दिन पहले मुलाकात हो चुकी है और एक और प्रोग्राम की दरख्वास्त कर दी है। तो ये जो आपको सारी कहानी जो है ना बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम वाली, उससे आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल जो है वो समझ आ जाती है। अभी भी हम उसी ऑक्सीजन मोड के अंदर हैं, हम ये समझते हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाए, आईएमएफ का प्रोग्राम हमें मिल जाए तो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने का मकसद ही यही होता है कि आप दिवालिया होने के करीब हैं और आप उस दिवालियापन से बचने के लिए कर्जा लेने जा रहे हैं, और जब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है तो वो तमाम चीज़ें जो आपको उस डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं वो वक्ती तौर पर वो चीज़ें या तो रुकना शुरू हो जाती हैं, वो ख़त्म नहीं होते, वो मसले अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। तो जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होता है, वो 3 साल का हो, वो 9 माह का हो, हम फिर उसी जगह पे जहां से हमने सफर शुरू किया था जाके खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज आप देख लें, बावजूद इसके कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में है, 8 अरब डॉलर से ज्यादा के हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला की ज़खायर नहीं है,
बावजूद इसके कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में है, जो बजट का खसारा पहले 6 माह में था वो 50% से भी ज्यादा था, बावजूद इसके कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में है और पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट हमने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ 22%, उसके बावजूद जो इन्फ्लेशन है वो रिफ्लेक्टेड है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आवाम से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और जाहिर है मुल्क को कुछ ऐसे फैसले करने हैं कि जो मुल्क को चलाते रहें और वो उसमें उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए, लेकिन वो फिर फैसले आवाम के लिए फायदेमंद नहीं होते। उसमें एक वो होते हैं ना, वो ऐसी कड़वी गोली जिसको हम कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी है या ये सारे मसाइल, एनर्जी प्राइसेस बढ़ानी है और बाहर की दुनिया से हमें पेट्रोल बड़ा महंगा है, उसकी कीमत जो आलमी मंडी है वो तो महंगा है, तो फिर हम कैसे सस्ता करें, ये सारी बातें हैं। अब इनको देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि सऊदी अरब का वफ्त अभी यहां पर आया और उनके साथ बड़ा एक अच्छे खुशगवार मामलात हुए, उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उनके साथ हम, क्योंकि कुछ लोग ये भी अब बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्लेजेस थे जो कि पाकिस्तान में आए नहीं सऊदी अरब की तरफ से, और अगर हम चाइना की बात करें तो वो जो सीपैक वाला मामला था, ये सारे प्रोजेक्ट्स और कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो बड़ी हैं लेकिन हमारे अपने कुछ मसाइल हैं, वी हैव टू फर्स्ट पुट आर हाउस इन ऑर्डर ताकि वो सारे मसाइल हमारे हल हों और ये पैसे हमारे पास पाकिस्तान में इन्वेस्ट हों। 62 अरब डॉलर का सीपेक का प्रोग्राम था, वो 62 अरब डॉलर इतने सालों में पूरे के पूरे तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं हुए, उसमें मुख्तलिफ मामलात हैं। बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारा अपना रेड टेपिज्म ही इतना ज्यादा है कि वही दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोड़ दी, अपने प्रोजेक्ट जो प्लान किए थे अनाउंस किए थे वो ही उन्होंने जो है वो हॉल्ट कर दिए। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं आपके सवाल में। नंबर वन, देखिए ये जो एक आर्गुमेंट था ना कि जितनी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं उतनी ही हम अपने अवाम के लिए बढ़ाते हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं होता, ये अब आर्गुमेंट गलत है। अभी जो अच्छा। आपकी कीमत की बढ़ी है 15 तारीख को जो मैं इनकी अपनी जो समरीज हैं हुकूमत की उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो फर्क पड़ा था आलमी मंडी में तेल की कीमतों की में बढ़ने की वजह से वो 1 रुपया और 73 पैसे का फर्क पड़ा था और हुकूमत ने कीमत बढ़ाई है कुछ 4 रुपए 53 पैसे, अगर मेरे नंबर्स गलत नहीं है, रफली कुछ 5 रुपए लीटर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, जबकि आलमी मंडी में तो 2.25 रुपए जो कीमत बढ़ी है, तो ये फिर इंक्रीज कहाँ से आ गया। अगर आप इनके नंबर्स जाके देखें उसके अंदर इन्होंने एक एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट डाली हुई है कि रुपए की कदर में कमी की वजह से उसका इंपैक्ट आया है। अब आप डाटा उठा के देख लें पिछले 6 माह का, आपको रुपए की कदर जो है वो कमी होती नजर ही नहीं आ रही, तो ये कहां कौन सी कमी हुई है रुपए की कदर में जिसका हमें नहीं पता चला। रोज जो स्टेट बैंक ऑफ नंबर्स जारी करता है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो ये अब एक हकीकत नहीं है, ये गलत बात करती है हुकूमत। और ये मैं इस पे बल्कि मैंने लिखा भी है जी जी, ये इस पे खजाना की और पेट्रोलियम डिवीजन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि 2.25 रुपए की आपकी कीमत में इंक्रीज थी, आपने सारफिन के लिए कैसे तकरीबन 4.5 रुपए आपने फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, एक चीज। दूसरा, जहां तक सऊदी अरब और चाइना की बात, जब 2018 में पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में गया था, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त जो आईएमएफ की तरफ से पहली कंडीशन ये आई थी कि अभी आपके मुजाकरात स्टार्ट हुए थे, प्रोग्राम साइन नहीं हुआ था, कि जो चीन और पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिलेशन है अंडर द सीपैक उसकी तमाम तफसीलात जो है वो हमें दी जाए। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट ने गालिबन दिसंबर 2018 में सीपैक की तमाम जो डिटेल्स थी वो आईएमएफ के हवाले कर दी थी, मैंने उस वक्त खबर भी की थी। फिर हुआ ये कि अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम आईएमएफ ने कुछ इम्प्लिसिटली ऐसी शराइत लगाई कि सीपैक के ऊपर जो प्रोग्रेस थी वो ना हो पाई, उसको स्लो डाउन डेलिब्रेटली कर दिया गया। अभी भी अगर आप देखें इनका जो लास्ट विजिट हुआ है आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल था उसके अंदर फिर उन्होंने पूछा कि सीपैक को आप कितने पैसे दे रहे हो, तो आईएमएफ जो वो एक वॉशिंगटन की जो फॉरन पॉलिसी है उसके परस्पेक्टिव से भी पाकिस्तान को डील करता है उसमें। उसके अलावा हमारे जो अपने ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हैं, हमारी अपनी नालायकियां, बैड गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, हमारे फिस्कल प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, हम चीन को कोई 500 अरब रुपए की हमने उनसे बिजली खरीदी उसके पैसे नहीं दे रहे, वो सारी चीजें अपनी जगह पे वो भी हर्ट करती हैं। और सऊदी अरब से क्या पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है, देखिए ओवरऑल तो आपने देखा कि बड़ा एक पॉजिटिव एक सेंटिमेंट गया सऊदी डेलीगेशन की तरफ से, एक तारीफ कर दी गई जिसको पूरी कौम और वफाकी काबीना सेलिब्रेट कर लिया कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी हमारे बारे में कि हमने बड़ी तैयारी कर ली थी। विजिट अच्छा था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या वो विजिट इमीडिएटली नंबर्स में ट्रांसलेट होगा इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, इसके इस विजिट के बाद 2-3 और दौरे होने हैं, इस महीने के आखिर में होना है जी। एक नेक्स्ट मंथ भी कुछ
पीरियड है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फर्दर कोई डेवलपमेंट्स होती है। लेकिन मैंने वो जो सारी चीजें इनकी देखी हैं, फ्रेंकली हम विश लिस्ट जो हमारी होती है ना, वो हमेशा की तरह लंबी ही होती है। अब जब 2019 में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे क्राउन प्रिंस, तो उस वक्त 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी की उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, जिसमें तकरीबन 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी भी थी। वो ऑयल रिफाइनरी आगे नहीं चल रही, सऊदीज उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अभी फिर हमने उनको जो प्रोजेक्ट्स पिच किए हैं कोई 1.5 दर्जन से ज्यादा, उसमें फिर ऑयल रिफाइनरी 10 अरब की डाली हुई थी, वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो हमारी विश लिस्ट है, दे डोंट वांट टू कम इन दैट प्रोजेक्ट। वो किस में इंटरेस्टेड है वैसे? देखिए उनका अभी तो उन्होंने इनसे ब्रीफिंग्स ली हैं, मैंने जो चीजें देखी उसमें 5-6 दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुझे लग रहे हैं कि वो काफी उसमें सऊदीज आ सकते हैं, जिसमें दियामिर बादशाह जो है वो काफी एडवांस स्टेज के ऊपर है। रेकोडेक में टाइम लगेगा, रेकोडेक में भी उनकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, बट उसमें टाइम लगेगा। रेकोडेक के साथ ही कुछ एडजस्टमेंट उसकी में कुछ और माइंड है, उसमें भी वो आ सकते हैं। फिर एक ग्वादर के साथ एक रेल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, वो भी एक हो सकता है। कि 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अगर सऊदी अरेबिया चाहे तो 5-6 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकता है, बट इट विल टेक सम टाइम, ये इस महीने नहीं होने वाला। अच्छा शहबाज, मैं इस चीज को बड़ा देख रही थी और मुझे ऐसा लगा, मैंने और भी इकोनॉमिस्ट से कुछ से बात की और मैं आपसे भी यही आइडिया फ्लोट करना चाहूंगी आपके साथ। आपको कैसा लगता है, आप बताइएगा कि सऊदी अरब में बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, नियोम सिटी उनका बन रहा है, उसके अलावा बड़ी जो है वहां पर डेवलपमेंट चल रही है। अभी उनके यहाँ पर जो वफ्त हैं, उनके जो जो जिनका दौरा हुआ, क्या उनके साथ पाकिस्तान की कोई ऐसी डील हो सकती है कि पाकिस्तान में चूंकि इकोनॉमिक सूरत हाल कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे जो जॉब सीकर्स हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों किस्म के वर्कर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या उनके साथ पाकिस्तान कोई ऐसा मुआहदा कर सकता है जो रीसेंट हो और जिसमें हम पाकिस्तान से इन डेवलपमेंट्स की तरफ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स दोनों भेजें, आईटी ग्रेजुएट्स हों, हमारे इंजीनियर्स हों, ये सारे लोग हों? देखिए ये वाला जो इशू है कि जो एक वर्कफोर्स का जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और फिर वही उसी की वजह से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जरिया है गैर मुल्की सरमाया, सरमाया मिलती है, वो हमारे ये रेमिटेंसेस हैं जो वर्कर्स हमारे भेजते हैं, हमारे बहन भाई जो मुल्क से बाहर काम करें, खासतौर पर जो सऊदी अरेबिया और गल्फ के अंदर। यही इशू रेज जरूर हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट्स इनको पिच किए गए हैं उसके अंदर विजन 2030 के तहत कुछ वर्कर्स की एक्सपोर्ट को करने की बात जरूर हुई है, बट वो मुझे वो थोड़ा सा वीक लगा है उसमें, को मुझे लगा नहीं कि इनकी इतनी ज्यादा तैयारी। उनको ये कह रहे हैं, उनको बताया गया साउथ ईस्ट को कि हमारे ये कुछ सेंटर्स हैं जहाँ से हम ट्रेनिंग देते हैं और भेजते हैं लोगों को, तो आप हमसे भी वर्क फोर्स लीजिए। दुनिया इवन चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हों, नॉन इस्लामिक कंट्रीज हों, अब वो मजहब की बुनियाद के ऊपर सरमायाकारी नहीं करते, उनके इकोनॉमिक होते हैं, अगर आप उनकी इक्वेशन में फिट बैठते हैं तो वो आपसे वर्कफोर्स ले लेंगे। मसला हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और जिस किस्म की हमारी वर्कफोर्स यहाँ से जा रही है, वो बेचारा या मजदूर दिहाड़ीदार होता है या वो मिस्त्री होता है, या इस किस्म के वो जो जो ब्लू कॉलर जो काम है वो कर रहे होते हैं। जो व्हाइट कॉलर आपको काम मिलते हैं, जो हाई स्किल जो वहाँ पे लेबर होती है या काम होता है, उसमें आपको इंडियंस बहुत ज्यादा वहाँ पे नजर आएंगे, चाहे आप गल्फ में चले जाए या दूसरे कंट्रीज में चले जाए, तो इंडियंस की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगी। और जहाँ पे आपका अनस्किल्ड काम है उसमें बांग्लादेश के जो वर्कर्स, उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट और इंडियंस की मार्केट खराब की हुई है। अगर पाकिस्तानी जो है वो 100 रुपए के ऊपर काम करता है, तो बंगाली जो है वो शायद 50 रुपए भी काम करने को तैयार हो, क्योंकि वहां पे उनकी अपनी जो डोमेस्टिक नीड्स है, बांग्लादेशी जो सिटीजन है उनकी, उसकी बेस पे उनको शायद वो मजदूरी सूट करती, उससे भी आपकी मार्केट पे काफी इफेक्ट आया है। किस हद तक पाकिस्तान इससे बेनिफिट ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये इनकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, और इस एरिया के ऊपर मेरे ख्याल में इनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मुझे इतनी अच्छी तैयारी इस एरिया में इनकी लगी नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें भी हम सुन रहे थे कि यूएई, अब खैर हम तो अभी स्पेसिफिकली सऊदीया की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएई से भी मुख्तलिफ लोग हैं जो ऐसे हमें बता रहे थे कि वहां, और जाहिर है इन सब कंपनीज में कोटा होता है, इन गवर्नमेंट्स ने वहां पर कोटा किए होते हैं कि भाई किस मुल्क से एक कंपनी ने कितने परसेंट लोगों को रखना है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, तो वो कोटा जो है यूएई में पाकिस्तान के कम हो रहे हैं। ये भी कुछ खबरें थी जो मेरी नजर से गुजरी, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं ये पूछूं कि सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान को क्या ये करना चाहिए था। लेकिन ऑफ कोर्स जिस पे आपने कहा कि तैयारी जो थी वो जरा कमजोर थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हों। और फाइनली मैं आपसे 3 स्टेप्स पूछूंगी, 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट शुड इंस्टेंटली डू फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। देखिए सर, नंबर 1 पे प्रायोरिटी जो हुकूमत की होनी चाहिए और है भी इस वक्त, वो आपको IMF के प्रोग्राम में जाना है, उसके बगैर आपका जो सर्वाइवल है वो मुमकिन नहीं है। दूसरा, अभी तक जो चीज मुझे इस गवर्नमेंट में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हो, जिसकी सबसे ज्यादा अशद जरूरत है,
वो माइंड सेट को तब्दील करने की जरूरत है। मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस हुकूमत के माइंड सेट में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, चाहे ये हुकूमत थी से पिछले वाली हुकूमत थी या उससे पिछले वाली हुकूमत थी, ये वही माइंड सेट चला आ रहा है। आप दो तीन इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए, सिर्फ आपके पास टाइम कम होगा मैं एक बड़ी एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ। हमारे वजीर खजाना वॉशिंगटन चले गए, वहां पे हम जाके भीख मांग रहे हैं कि हमें एक और कर्जे का प्रोग्राम चाहिए, और जाने से पहले वजीर आजम के दफ्तर के जो तमाम अफसरान उनके लिए चार जो तनख्वाहों के बराबर उनको इनामात देके चले गए। ये वो कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर है जिनकी तनख्वाहें पहले ही आम कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा होती है। तो ये माइंडसेट है जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऐसी क्या इनको जरूरत पड़ गई थी कि उनके चार सैलरीज उनको रिवॉर्ड्स में दे दी गई। वो उसकी ओवरऑल अगर आप कहें कि उसकी जो कॉस्ट कितनी हुई, कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट। एक तरफ लोग जो है महंगाई मर रहे हैं, उनके लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है, और हमारे मुल्क के वजीर खजाना वजीर आजम पाकिस्तान के कहने के ऊपर चार जो तनख्वाहें हैं वो रिवॉर्ड में दे देते हैं। तो जब तक इस तरह का जो माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तो अगला जो बजट आने वाला जो पॉइंट नंबर टू है, फिर बजट में आपको उसी तरीके से लोगों के ऊपर इजाफी बोझ पड़ता हुआ दिखाई देगा। बजट से पहले इनको अपना माइंडसेट चेंज करना। और थर्डली, ये बहुत हो गया सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ डालने वाली बात, ये रिटेलर्स को पकड़े, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के पीछे जाएं, ये होलसेल के पीछे जाएं, स्टॉक मार्केट के पीछे जाएं, तो उधर जाके वहां से टैक्सेशन जो अपनी इंप्रूव करें, अदरवाइज ये सिलसिला इसी तरह और सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर ही आप बर्डन बढ़ा के आप उनके जो मिसाइल है वो ठीक नहीं कर सकते। अखराजात के ऊपर कंट्रोल करने की बड़ी सख्त जरूरत है, और जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है मेरा ख्याल है मुश्किल फैसला है। आईएमएफ ने भी कहा कि उसको देखिए हुकूमत को उसको जो अवार्ड उसको रिविजिट करने की स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज राणा हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और मुझे यहाँ पर एक कॉल याद आ रहा है कि एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स या सर्कमस्टांसेस तो खैर हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनस्टेबल इकोनॉमी है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर हो सकता था ये तनख्वाहों को सुन के मुझे भी बड़ा वैसे दुख हुआ और हैरत भी हुई कि हम बिल्कुल बेहिस हो गए, हम बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि अगला किस 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 माइंडसेट से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, किस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे अपने दौर दो चार जो है वो गिन रहा है, और दो वक्त की रोटी अपने घर में वो टेबल पर रखता है, और दूसरी तरफ हमारी ऐसी जिसको हम अब पता नहीं मैं क्या, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि राइट एक्सप्रेशन क्या होगा। लेकिन एक कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट की थी और जिसमें मैंने ये कहा था, और पता नहीं किसी ने किसी तक पहुंची अरबाब इख्तियार तक या नहीं पहुंची, कुछ इकोनॉमिस्ट ने उसको ज़रूर सराहा था, और वो ट्वीट ये थी कि पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, जिस इनस्टेबल एक सिचुएशन से गुजर रहा है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुतासर हुई हुई है, वहाँ पर हमारी हुकूमतों को करना ये चाहिए कि जिस तरह हमारी कुछ लग्जरीज़ हैं उन लग्जरीज़ को, क्योंकि वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तो ऑस्टेरिटी मेजर्स का भी ऐलान किया है, सिंध हुकूमत की तरफ से ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया गया है, केपी गवर्नमेंट की तरफ से ऑस्टेरिटी मेजर्स नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हुकूमतों को ये चाहिए कि मिलकर बैठ कर ये फैसला करें कि अगले 10 साल तक हम मिसाल के तौर पर लग्जरी गाड़ियों पर इस तरह से पाबंदी लगाते हैं कि हमारे महकमों में सरकारी महकमों में अगले 10 साल तक किसी सरकारी ब्यूरोक्रेट को सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी। यहां पर तो एक एक करोड़ दो दो करोड़ की गाड़ियां जो हैं वो हमारे सरकारी ब्यूरोक्रेट फिर रहे हैं, एक एक डीसी के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और एक नहीं है चार चार गाड़ियां उनको मिली हुई होती हैं या उन्होंने ली हुई होती हैं फलां काम के लिए फलां काम के लिए। आम आदमी की तरफ देखें कि वो किस तरह उसकी कमर टूट गई महंगाई से, रोजाना की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद लोग पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगा देते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कंफर्मेशन है या नहीं है लेकिन पेट्रोल महंगा हो जाएगा। आम आदमी भी इतनी मुतासर जिंदगी गुजार रहा है, क्यों नहीं हम ये सोच सकते कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लें, भारत की तरफ देख लें, भारत ने अगर पाबंदियां लगाई थी और बाहर की गाड़ियों पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की थी कि जिनसे सोचा जा सकता है, जिनसे सीखा जा सकता है, पता नहीं हम किस चीज़ का और किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम दोबारा वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। क्रिकेट का सीज़न एक मरतबा फिर पाकिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ हैं वो भी जारी हैं। कल का मैच बहरहाल बारिश की वजह से बारिश की नज़र हो गया, और हमारे साथ अब इसी पे हम बात करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शिफा, सुबह खैर। आप सुबह खैर सर, आपको भी। कल बारिश हो गई, आपने बारिश एंजॉय की, क्रिकेट एंजॉय की, या आपने बारिश की वजह से क्रिकेट मैच का खत्म हो जाना एंजॉय किया, ये बताएं पहले। एंटी क्लाइमेक्स था शिफा,
और मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मुकाबला होगा, बेशक न्यूजीलैंड की टीम में टॉप के क्रिकेटर्स नहीं थे, लेकिन लोग कहते हैं कि कल के मैच की विनर जो थी ना वो बारिश थी, रेन वाज द विनर ऑफ यस्टरडेज मैच अगर आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन शाहीन ने दो बॉल्स करवा के एक विकेट ले ली थी, लगता है आपको शाहीन फॉर्म में आ गया वापस? देखिए शाहीन के साथ जो सलूक किया इन्होंने कि जिस तरीके से सिर्फ टीम में बातानी से हटा दिया गया और उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, एक तस्वीर भी रिलीज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि पीसीबी के चेयरमैन उससे काकुल के जो ट्रेनिंग सेंटर में हाथ मिला रहे हैं, लेकिन लगता ये, और फिर उसके बाद आपकी नजर से गुजरी होगी इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी शाहीन आफरीदी की कि मुझे इतना तंग ना करो कि मैं फट पड़ूं, तो उससे लग रहा था कि वो मेंटली ही वॉज क्वाइट डिस्टर्ब, लेकिन कल वो वापस आया एक जख्मी शेर की तरह, ही वॉन्टेड टू प्रूव हिमसेल्फ कि वो बताना चाह रहा था कि देखें मेरी क्रिकेट खत्म नहीं हुई, मेरे साथ जो सलूक हुआ उसका मुझे दुख है, कल्क है, लेकिन कल उसने दो गेंदे की, जो दूसरी गेंद पर बोल्ड मारा टिम रॉबिन्सन को, वो मुझे वही 2021 का शाहीन आफरीदी नजर आया जिसने T20 वर्ल्ड कप में दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया के खिलाफ जो बॉलिंग की थी, कमाल की बॉलिंग की थी, तो लग रहा है वो मोटिवेट हुआ है कप्तानी से हटाए जाने के बाद, उसमें एक नया जोश जज्बा आ गया, और फिर उसका कंपटीशन भी तो हो जाएगा ना, मोहम्मद आमिर अगस्त 2020 के बाद पाकिस्तानी टीम में वापस आए हैं, दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो शाहीन विल ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ के वाकई में वो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर वन बॉलर है। अब आमिर क्या करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वापसी आसान बात नहीं है, लीग्स में परफॉर्म करना एक डिफरेंट चीज है और पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना डिफरेंट चीज है, तो मेरे ख्याल में मोटिवेट हुआ शाहीन शाह आफरीदी, हम एक डिफरेंट शाहीन शाह आफरीदी को देखेंगे आइंदा आने वाले मैचेस। बिल्कुल, लेकिन अब बाबर और शाहीन के आपस का रिलेशनशिप को आप किस तरह से देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज जो थी बाबर की शाहीन की एक दूसरे के साथ, जो भी उनकी कोऑर्डिनेशन चल रही थी या जो भी था, कंफर्टेबल आपको लगे कैप्टनसी के इशू के बाद रिलेशनशिप आपको उनका आपस में कैसा लग रहा है? देखें शिफा, दरार तो पड़ चुकी है अगर आप हकीकत की निगाह से देखें ना, कि एक आदमी डिजेक्टेड है किसी रीजन के बगैर, आपने उसको कप्तानी से, पहले तो आपने बाबर को हटाया गलत था 2019 से कप्तान पर, फिर जब आपने शाहीन आफरीदी को बना दिया तो 5 T20 में आपने कैसे जज कर लिया उसकी कप्तानी को? नजर आ रहा था बाबर कोशिश कर रहे थे पेसिफाई करने की कि आप देखें कि जाके गले भी लगा रहे थे, हाथ भी मार रहे थे, तो बाबर की तरफ से ज्यादा जेस्चर जो है वो दिखाया जा रहा था, शाहीन आफरीदी थोड़े से रिजर्व टाइप नजर आए, तो यकीनन दरार तो पड़ चुकी है, ऐसा होना नहीं चाहिए, दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा नहीं होता कि कप्तान के हवाले से म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हो जाए कि तुम बनोगे, इससे फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आमिर और इमाद की अगर हम बात करें तो इन दोनों की जगह है टीम में, आपको सही लगता है कि ये दोनों का टीम में होना ठीक है? देखें दुनिया आगे की तरफ देखती है, हम पीछे की तरफ देखते हैं, ये हैरत की बात है, इन दोनों के इंक्लूजन से ये बात साबित हुई कि या तो हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, अपकमिंग यंगस्टर नहीं है, या फिर ये कि हमने पहले इन दोनों को गलत निकाला हमने नहीं था, आमिर ने तो रिटायरमेंट ले ली थी, इमाद ने भी फिर बाद में रिटायरमेंट ले ली, तो अब मुझे लग रहा है कि अब इनको जब वापस लाए, कल इमाद नहीं खेले, हैरानगी की बात है, हम सब तवक्को कर रहे थे कि इमाद वसीम खेलेंगे लेकिन कल वो नहीं खेले, तो अब देखते हैं T20 वर्ल्ड कप नजदीक है, ये 1 जून से शुरू हो रहा है, 9 जून को पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के साथ न्यूयॉर्क में, तो क्या होता है, लेकिन इन दोनों की वापसी यकीनन टीम के कॉम्बिनेशन पर या टीम की स्पिरिट पर क्या असरअंदाज होगी, क्या ये फैसला दुरुस्त होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 13 मैचेस है वर्ल्ड कप से पहले हमारे शिफा T20 के, तो अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या रहता है, क्योंकि ये वही आमिर हैं जो तनकीद करते रहे बाबर आजम पर और इमाद वसीम ने भी क्रिटिसाइज किया इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया, तो अब इस सिचुएशन में वो कैसे जेल करते हैं ये भी देखना होगा। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले तनकीद भी करते रहे और खुद एक सीनियर प्लेयर हैं तो जूनियर के कैप्टन होते हुए किस तरह से खेलेंगे ये भी बात है, लेकिन मैं आमिर के खास तौर पर परफॉर्मेंस के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी कि 5-6 साल पहले उनमें क्रिकेट की उन्होंने प्राइम परफॉर्मेंसेस दी हैं, अब क्या गैप के बाद और अब इस सारे जो भी एपिसोड हुआ रिटायरमेंट का हर चीज उसके बाद उनमें क्रिकेट बाकी है वैसे? देखिए चैलेंज तो होगा उनके लिए और जिस तरह से वो दीगर दुनिया की लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि PSL में उन्होंने कोई गैर मामूली कारकर्दगी नहीं दिखाई उसके बावजूद उन्हें लिया गया, तो आप देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी शिफा कहा कि जब भी कोई खिलाड़ी कम बैक करता है, कम बैक
करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और एक खिलाड़ी अगस्त 2020 के बाद कमबैक कर रहा है पाकिस्तानी टीम में, चैलेंजिंग है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के पास, नसीम शाह है, शाहीन शाह आफरीदी है, अब्बास आफरीदी है, जमान खान है, उसके अलावा कुछ बाहर भी हैं फास्ट बॉलर, और मोहम्मद अली है, तो उनको सबको देखते हुए एक चैलेंजिंग टास्क होगा ना आमिर के लिए। एक तो माजी में उस पर इल्जाम लग चुका है, सजा काट कर आया, और फिर अब टीम में जब वो आया है तो क्या वो अपने आप को टीम का अहम रुकन साबित, और उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आप देखते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। सही है, और मोहसिन नकवी साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, उनके कैसे चल रहे हैं पीसीबी के मामलात, कैसे हैंडल कर रहे हैं वो आजकल, आपको क्या लग रहा है, क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? देखिए मोहसिन नकवी साहब आप इतनी इंपॉर्टेंट वजारत पे फायदे हैं, वजारत दाखिला और इंसदाद मंशियात, और फिर पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए दोनों चीजों को चलाना। लोग तो ये कह रहे हैं कि डिफेक्टो चेयरमैन वहाब रियाज है, क्योंकि उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं नकवी साहब, तो वहाब रियाज को सब कुछ दे दिया गया है, क्योंकि नकवी साहब के पास इतना वक्त ही नहीं है, जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की, मुल्क की सिचुएशन है उसको देखते हुए, तो वहाब रियाज को वही कहते हैं ना जो मैं कहता रहा हूँ, एक जुमला बड़ा मशहूर है मेरा कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है, तो वहाब रियाज को सारी कैश पहना दी गई है, वो समझ लीजिए अनऑफिशियली चीफ सेलेक्टर भी है, क्योंकि उन्होंने टीम का अनाउंसमेंट उन्होंने किया, जबकि यूसुफ जो 90 टेस्ट खेले पाकिस्तान के कप्तान है वो बराबर बैठे रहे, और असद शफीक 77 टेस्ट मैचेस खेले, अब्दुल रजाक 46 टेस्ट मैचेस खेले, उसके बावजूद चले ऐलान कर दिया, फिर उनको सीनियर टीम मैनेजर बना दिया गया, एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई उनके लिए, कि वरना पाकिस्तान क्रिकेट में कभी हमने सीनियर टीम मैनेजर नहीं देखा, हमने मैनेजर देखा, असिस्टेंट मैनेजर देखा। क्यों सर आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा? क्या बड़ी बात हो गई, अगर उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट कर दी तो क्या हो गया, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी तो थे ना एक हमारे, वो कुछ अरसे के लिए थे ना, तो यहाँ ये भी ना हो गए कुछ अरसे के लिए सीनियर टीम मैनेजर हो, आप ये देखें आपका इशारा परवेज इलाही साहब की जाने में ना, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो वो कुछ अरसे के लिए रहे ना, अब वहाब रियाज जो है सीनियर टीम मैनेजर भी है, मैनेजर भी टीम के साथ है, गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर भी है, और भी कुछ कर सकते हैं तो कर ले, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या एक ही आदमी है, 258-60 के करीब टेस्ट क्रिकेटर्स गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बड़े बड़े नाम है, लेकिन वही जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात। सर इसकी एक और मिसाल शेख रशीद साहब भी देते थे, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ये भी था एक। अच्छा वैसे मैं वैसे मुझे यहाँ दूल्हा है ना, यहाँ दूल्हा है, दुल्हन नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर मैं कुछ नंबर्स देख रही थी, तो मैं उन नंबर्स को देख के जरा ना तजब्जब का शिकार हो गई, मैं चाहूंगी जरा आप मेरे लिए ये सिचुएशन आसान बनाए। पिछले सवा साल में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 5 मुख्तलिफ चेयरमैन आए, 4 चीफ सिलेक्टर आए, 3 हेड कोचेस बने हैं और पाकिस्तान टीम के, तो इसका असर खिलाड़ियों पर क्या होगा? वो तो हम कहते हैं ना एक टीम हो वो आपस में जेल इन करे, कुछ टाइम साथ गुजारे, आइस ब्रेकर सेशन हो उनके, उसके बाद इतनी जल्दी जल्दी इतनी रैपिड चेंजेस और इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस, इसीलिए तो पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया भर में मशहूर है शिफा। एक तो टीम हमारी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी तो ऐसा परफॉर्म करती है कि मजबूत से मजबूत टीम को आसानी से हरा देती है, और कभी खुद आसानी से हार जाती है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट में। और आपने बिल्कुल सही कहा, 22 दिसंबर 2022 के बाद से जब रमीद राजा को हटाया गया, कितने रमीद राजा गए, नजम सेठी आए, जका अशरफ आए, मोहसिन नकवी आ गए, और कोचेस का भी आप देखें, मोहम्मद हफीज को उन्होंने हेड कोच बनाया था, डायरेक्टर बनाया था, वो भी चले गए, तो इनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट में, और ये नुकसानदेह है, इससे टीम की कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है। दुनिया के दीगर ममालिक की एग्जाम्पल आप देख लें, वहां ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस तरीके से धड़ाधड़ चेंजेस होती रहे, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट का खासा है, इसलिए दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट मशहूर है। और जब से पीसीबी के चेयरमैन की पोस्ट बड़ी हाइप वाली पोस्ट है, और जब से नजम सेठी साहब ने चेंज किया के जो है वो पहले माजी में सदर मुमलिकत हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इंचार्ज, लेकिन नजम सेठी साहब जब आए तो उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वजीर आजम को होना चाहिए बिकॉज नवाज शरीफ साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, तो उन्होंने उन्होंने उनको पेटर्न इंचार्ज बनाया, तो उसके बाद से सियासत ज्यादा होने लगी। नवाज शरीफ साहब ने अपने मनपसंद लोग को लगाया, इमरान खान साहब आए उन्होंने अपने ट्रस्टेड लोगों को लगाया, अब देखिए नकवी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब ने, बहुत सारी अब मसाइल ऐसे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जिनको एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लेकिन वैसे हफीज क्यों गए, कुछ उसकी उनकी कहानी कुछ पता है हमें?
देखिए हफीज तो एकदम से पैराशूट से कूद गए ना, उन्होंने कभी कोचिंग की नहीं थी, उनको डायरेक्टर बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे, बड़े अच्छे कप्तान रहे, क्रिकेट को बहुत समझते हैं, लेकिन उनको एक ऐसे ओहदा दे दिया गया डायरेक्टर का, और फिर ओहदा भी एक ऐसे दौरे पर दिया गया जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही मुश्किल दौरा होता है ऑस्ट्रेलिया का। तो हफीज फिर उसके बाद वो तवक्को ये रख रहे थे, अगर ज़कात अशरफ साहब रहते तो उनके मुआहदे में तौसी होती, उनको तो 2-3 महीने के लिए रखा गया, और फिर हफीज और वहाब रियाज का आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन था। लेकिन जब सलमान भट्ट को सिलेक्टर बनाया गया और हफीज का साथ नहीं दिया, वहाब रियाज ने साथ नहीं दिया तो थोड़ी दरार पड़ी, और जब वहाब पावर में आए तो बजाय इसके कि वो हफीज की तरफ देखते, उन्होंने फिर आंखें ही बदल ली, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया गए, जबरदस्त आखिर में तो आपने बात का इख्तिताम कर दिया। अब मेरे पास रह कुछ नहीं गया कि मैं मजीद इस बात के बाद इतनी मजेदार तू के बाद आपसे मजीद में सवाल करूं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और एक वक्फे के बाद आपसे मैं दोबारा मुलाकात करती हूँ। स्टे विद अस। बैक जी, पाकिस्तान में तालीम एक बहुत बड़ा मसला है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि तालीम के मैदान में जबरदस्त खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और मेरे साथ इस वक्त भी एक ऐसी अहम शख्सियत मौजूद है जिसने कि तालीम में के शोबे में बहुत काम किया है, फिलेंथ्रपी का काम किया है, बच्चों की तालीम का आगाज, बच्चों के लिए स्कूल, बच्चियों की तालीम के लिए बहुत कुछ है ऐसा जो कि हम इन्हीं से जानेंगे। और विदाउट फर्दर अडू मैं तारुफ कराना चाहूंगी कॉमोडोर रिटायर्ड महमूद रहमान साहब का, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं और स्कूल और एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो मसला ही तालीम का सबसे बड़ा है, और मैं आपकी तरफ आऊंगी और मैं एक ओपन एंडेड क्वेश्चन फेंकूंगी कि कितने आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फिलेंथ्रपी के तालीम के हवाले से बच्चों और बच्चियों के चल रहे हैं इस वक्त। शिफा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 12-13 साल से सिर्फ चैरिटी और फिलेंथ्रपी का ही वो कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गुर्बत की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते। सो आई मेड इट अ पॉइंट कि इनको अगर वो माहौल मुयसर किया जाए, वो वसाइल मुहैया किए जाएं जो ये बाकी बच्चों की तरह जो है ये पढ़ सकें। तो हमने 5 क्रिश्चियन बच्चों से, जब मैंने नेवी को अलविदा कहा तो 5 क्रिश्चियन बच्चों से ये काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते अभी ये फैमिली 455 से ज्यादा बच्चे हो गए जो मुख्तलिफ, और ये सब फ्री पढ़ रहे हैं, ये क्योंकि ज्यादातर यतीम बच्चे हैं या वो हैं जिनके के मतलब जो वालिद माजूर है, माँ कहीं मासी का काम करती है, मतलब जहनी तौर पर अच्छे हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन गवर्नमेंट स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो उनके तमाम तालीमी अखराजात जो हैं बशमूल उनके कापियां, किताबें, यूनिफॉर्म, शूज, एवरीथिंग मतलब इज ऑन द हाउस फॉर देम। उन्हें कहा बेटा पढ़ो, और जितना आप आगे पढ़ सकते हो मेक एन एंडेवर और वील सपोर्ट यू। और सालाना एक बच्चे पर कितना वैसे खर्च आता है, और आप फिर किस तरह से फंडिंग रेज करते हैं, और लोग किस हद तक सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के कॉज को? दिस इज अ गुड पॉइंट। शुरू में तो जो मेरे पास था मैं खर्च करता रहा था, बट आहिस्ता आहिस्ता जब तादाद बढ़ती गई, क्योंकि एक बच्चा या बच्ची जो है ऑन द एवरेज 30,000 से 40,000 रुपए सालाना हम उन पे खर्च करते हैं। स्कूल फीस बढ़ गई है पिछले दिनों, तो महंगाई पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत ज्यादा हो गई है। बुक्स, एवरीथिंग, मतलब वो एक ऑक्सफोर्ड की बुक जो 1800 की आती थी वो 3800 रुपए की हो गई है। इसी तरह जो शर्ट हम 450 की लेते थे वो 800 रुपए के लगभग हो गई है। इस तरह सारी चीजें, लेकिन आफरीन है, आई मस्ट एक्नॉलेज मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सो दे कीप ऑन सपोर्टिंग। शेफ आई टेल यू, जब मेरे 15 बच्चे थे ना तो मुझे बड़ी मुश्किलात होती थी, अब 450 से ऊपर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबील निकाल रहे, पढ़ रहे, हंस रहे, खेल रहे। सो वो जो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, अल्लाह सुभान व तआला निकाल देता है, मतलब वही निकालते। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
अब ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पर हम चाहेंगे कि आपसे आगे भी आने वाले दिनों में गुफ्तगू हो और मजीद हम इसको एलेबोरेट करके और आपके स्कूल्स वो विजिट करें उन बच्चों को कि हम किस तरह से वो पढ़ रहे हैं, क्या फैसिलिटीज आपकी तरफ से दी जा रही हैं। आपके साथ तो हमारा एक बड़ा खास सेशन होना चाहिए जिसमें उन बच्चों से भी हम पूछें कि ये क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं और उनकी क्या अपने लिए ड्रीम्स हैं, क्या वो अपने लिए करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपसे, आपका वक्त लिया हमने, लेकिन यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और आपकी मदद फरमाए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।